नमस्कार दोस्तों, प्रणाम आदाब, जय हिंद। मैं हूं अतुल अवस्थी और हिंदी की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हिंदी की क्लास में आप सभी को पता था कि हिंदी की क्लास में मैंने अभी तक संज्ञा पढ़ाई, कल पर्यायवाची भी आपको पढ़ाया, कल विलोम शब्द भी पढ़ाया, और इस तरीके से मैंने आपको बोला है कि आपको चैप्टर वाइज कंटेंट आपने डिमांड की थी और चैप्टर वाइज मैंने देना शुरू कर दिया था। और आप देख रहे हैं कि आज का दिन तो भाई आप लोगों ने बहुत बहुत अच्छा सहयोग दिया। हिंदी रीजनिंग में 1350-1400 लोग रहे और आज हिंदी में भी। अब मैं आपका पूर्ण सहयोग चाहता हूं कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मुहावरे और लोकोक्तियां। दोस्तों 90% लोगों से अगर मैं वास्तविक डिफरेंस पूछ लूं कि क्या मुहावरे और लोकोक्तियां का फर्क बता सकते हो, तो बोलेंगे अरे यार लगभग सेम सा होता है और उसमें कोई दिक्कत नहीं, लगभग लगभग बराबर सा होता है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि मुहावरे और लोकोक्तियां में आखिर विशेष अंतर क्या होता है। यानी आज मुहावरे और लोकोक्तियां एकदम बेहतरीन ढंग से क्लियर करने वाले हैं। लेकिन आज का सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि मुहावरे और लोकोक्तियां को लेके आज कुछ ऐसे 50 प्रश्न करवाने वाला हूं, वो 50 प्रश्न जो अभी तक लगभग 3 बार तो कम से कम पूछे ही गए हैं। यानी समझ लो आज का पेपर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आज की क्लास, कि आज मैं वो 50 मुहावरे कराऊंगा जो हर एक एग्जाम में लगभग कम से कम 3 बार पूछे गए हैं। और आज इस पीपीटी को, इस 50 क्वेश्चन को बनाने के लिए मैंने टोटल 7 घंटे खर्च किए हैं, ताकि ये नहीं क्वेश्चन आसान है आपने सुने हैं, लेकिन इनको खोजने में और इनको कलेक्शन तैयार करने में कि मुहावरे आसान होते हैं, लोकोक्तियां आसान होती हैं, तो क्यों ना वो 50 क्वेश्चन मैं खोजूं। तो अभी तक जितने परीक्षा हुए हैं लगभग 3 से ज्यादा बार पूछे गए वो 50 मुहावरे और लोकोक्तियां आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा जो एग्जाम में पूछे गए। तो चलो दोस्तों देर नहीं करेंगे, संदीप दृढ़ाका, अनुराग कुशवाहा, अजीत सिंह और फरदीन फतान, स्पिरिचुअल व्यू ऑफ नेचर, अतीश रावत, बीएन मिश्रा, अजीत सिंह सभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दबा के लाइक एंड शेयर ठोक दो और आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों ये महामुकाबला है 31 जुलाई का, याद रखना ये 31 जुलाई का महामुकाबला है जो शनिवार शाम 5 बजे डिसाइड हुआ है। शनिवार शाम 5 बजे ये महामुकाबला डिसाइड हुआ है, जो पूरे YouTube के इतिहास में पहली बार एक नया अध्याय शुरू करने जा रहा है। आपको भी देखने के बाद लगेगा कि सर ये सबसे बेहतरीन व्यवस्था आपने करके दिखा दी। 31 जुलाई शनिवार को जरूर याद रखना कि क्या होने वाला है। SSC GD महापैक 919 रुपए में इस समय 12+12 में मिल रहा है, इसलिए मैं से बोलूंगा कि दोस्तों इस समय इसका भरपूर लाभ उठा लो। जब पैसा कम होता है तो हमेशा बोलता हूं कि मेरा विद्यार्थी कम से कम कम पैसे में 2 साल की वैलिडिटी चल रही है। भैया 919 रुपए में किसी का घर द्वार थोड़ी ना लेंगे, 919 रुपए में 2 साल में हिंदी, 2 साल के लिए हिंदी, GS, सब कुछ चाहे जो पढ़ो एकदम फ्री है। तो चलो दोस्तों आज का सेशन देख लो क्या होने वाला है। आज की क्लास की भैया कुछ कंडीशन है, आज की क्लास की कंडीशन यह है कि भैया आज की क्लास वेरी इंपॉर्टेंट होगी। पहली बात, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी, बीच में छोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि आज करेंगे 50 वो मुहावरे जो कम से कम 3 बार तो जरूर पूछे गए हैं, कम से कम 3 बार पूछे गए हैं। यानी आज की जो क्लास है केवल कान में हेडफोन लगा दो, रोटी बेल रहे हो तो बेलते रहो, सो रहे हो, लेटे हो तो लेटे रहो, कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना। आज अतुल अवस्थी की आवाज केवल कान में जाने दो, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यह बात याद रखना, आज करेंगे 50 वो मुहावरे जो कम से कम 3 बार तो जरूर पूछे गए हैं। तो चलो दोस्तों आज देखते हैं कि ऐसे कैसे क्वेश्चन मैंने कराए हैं। वास्तविकता में मेरे को फर्क पहले सभी लोग बताएंगे कि मुहावरे और लोकोक्तियों में क्या फर्क होता है। दोस्तों आज जो भी लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, हिंदुस्तान के जिस कोने से सुन रहे हैं, आज के बाद अगर कोई बोलेगा कि मुहावरे लोकोक्तियों में क्या फर्क होता है, तो मुहावरे आप बचपन से सुनते आ रहे हैं, लोकोक्तियों में अगर कंफ्यूजन है तो मैं आपको बता दूं क्या होता है। लोकोक्तियां भैया उन्हें कहते हैं जो हमारे जन सामान्य में कहावतें वाली, जैसे लोकोक्तियों को आप कहावत कह सकते हैं, लोकोक्तियों को कहावत कह सकते हैं, कहावतों की तरह प्रयोग किए जाते हैं उन्हें लोकोक्तियां कहते हैं, ठीक है ना, जो जनरल लैंग्वेज में बोले जाते हैं। देखो हम तुम्हें बेसिक अंतर बता रहे हैं कि इनमें क्या होता है। पहला देखो, मुहावरे वाक्यांश होते हैं, जरा समझना क्या लिखा है। देखो मुहावरे वाक्यांश होते हैं,
पूर्ण वाक्य नहीं। मुहावरे क्या होते हैं? एक वाक्यांश होते हैं, एक वाक्य का अंश होते हैं। वाक्यांश मतलब क्या है? वाक्य का अंश होते हैं, कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं होते। जैसे अपने अपना उल्लू सीधा करना, अब ये किसी जब तक वाक्य में प्रयोग नहीं होगा तब तक इसका अस्तित्व नहीं है। अपना उल्लू सीधा करना ये इंसान कब बोला होगा? यानी जिस तरीके की कोई परिस्थिति पैदा हुई होगी तो अपना उल्लू सीधा करना, कलम तोड़ना, याद रखना ये सब ये वाक्यांश यानी वाक्य का अंश है, इनका अभी खुद का अस्तित्व नहीं है जब तक ये किसी वाक्य में ना जोड़ दिए जाए। जब वाक्य में इनका प्रयोग होता है तब ये संरचना क्या है? संरचनागत पूर्णता प्राप्त करती है, संरचनागत पूर्णता प्राप्त करती है। लेकिन लोकोक्तियां क्या है जरा समझो तो, लोकोक्तियां पूर्ण वाक्य होती हैं। अच्छा ये बात आज के बाद पहली बात कि कभी भी अगर कोई बोले तो मुहावरे कभी भी वाक्य नहीं होते, एक वाक्यांश होते हैं, लेकिन जो लोकोक्तियां हैं वो पूर्ण वाक्य होती हैं। इनमें कुछ घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता, ये बात याद रखना, इसमें बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता। जैसे चार दिन की चांदनी बाकी अंधेरी रात, मतलब जब जब सुबह शुरू में सैलरी आई, अबे चलो पिज्जा पार्टी करते हैं, अबे चलो पेप्सी पीते हैं, अबे चलो कोका कोला पीते हैं, और जैसे 15 तारीख को सैलरी खत्म हो गई, अबे 100 रुपया डाले हो क्या, 50 रुपया हो तो दे दो यार। तो ये जो हम करते हैं चार दिन की चांदनी बाकी अंधेरी रात, तो ये बात याद रखना ये है लोकोक्तियां। और लोकोक्तियों में क्या फर्क होता है? मुहावरा वाक्य का अंश होता है इसलिए उनका स्वतंत्र प्रयोग संभव नहीं है। कभी भी मुहावरों का हम स्वतंत्र प्रयोग नहीं कर सकते, उनका प्रयोग वाक्य के अंतर्गत ही किया जाता संभव है। तो यह बात याद रखना, इनका प्रयोग वाक्य के अंतर्गत ही किया जाना संभव है। अब जरा सोचो तो, लोकोक्ति एक पूरे वाक्य के रूप में होती है इसलिए इसको स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जा सकता है। यानी आज के बाद अगर कोई पूछेगा भैया मुहावरे क्या होता है, तो बोले कि सर मुहावरा, देखो 9-2-11 होना मुहावरा है ना, क्योंकि जब पुलिस को देखा तो वो 9-2-11 हो गया, यानी वाक्य की आवश्यकता पड़ी। यानी मुहावरा वाक्य का अंश होता है लेकिन लोकोक्तियां खुद में एक वाक्य होती हैं। और ध्यान से समझना कि वाक्य मुहावरा जो होता है उनका प्रयोग वाक्य के अंतर्गत संभव है लेकिन इसका स्वतंत्र रूप से संभव है। आज तुमको वो बताऊंगा जिंदगी में कभी जिंदगी में नहीं भूल पाओगे। मुहावरा शब्दों में लाक्षणिक या व्यंग्यात्मक होता है, यानी मुहावरा शब्दों में लाक्षणिक या व्यंजनात्मक होता है, व्यंजनात्मक होता है। कैसे होता है मैं बताता हूं। लोकोक्तियां वाक्यों में लाक्षणिक या व्यंजनात्मक का प्रयोग करके हम उसे लोकोक्ति बनाते हैं। लोकोक्ति याद रखना, लोक मतलब होती है दुनिया, जो लगातार हमारे पूर्वज हमसे बोलते चले आ रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा एग्जांपल समझ लो, समझ में आ जाएगा। आंखें पथरा जाना एक मुहावरा है। अब आंखें पथरा जाने का प्रयोग करने के लिए पति का इंतजार करते करते माला की आंखें पथरा गई। दुनिया के घर में एक जो तुमने सीनरी देखी होगी कि एक लड़की ऐसे करके बैठी है पेड़ के नीचे और इधर से ट्रेन जा रही है, दुनिया में कोई ऐसा घर में मान ही नहीं सकता कि किसी ने ये वाली सीनरी ना देखी हो। वो घर में, सबके घर में वो सीनरी होती कि एक लड़की ऐसे बैठी है, ऊपर लिखा है तुम कब आओगे, एक लड़की ऐसे बैठी है इधर से ट्रेन जा रही है। वो पुराना एक गाना लोकगीत है ना, रेलिया बहरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बहरन, वो पहले सुना होगा ना, जौने टीकसवा से पिया मोर जई है बदराबर से टिकट। ये कैसे हम लोग करते थे, तो ये क्या होता था कि जब ये चीजें होती थी कि पति को छोड़कर, ये जो बोलता है ना कि पति का इंतजार करते करते माला की आंखें पथरा गई, तो मतलब ये सभी लोग देखते हो, सबके घर में होता है, ये पुराना एक गाना है। अब देखो अधजल गगरी छलकत जाए, भरी गगरिया चुप्पे जाए, मतलब जिसको कम ज्ञान होता है ना ज्यादा पैतरा करता है, जिसको कम ज्ञान होता है वो ज्यादा पैतरा करता है। तो याद रखना, वो अपनी योग्यता की डींगे मारता रहता है, जबकि वह कितना योग्य है ये सब जानते हैं। वो अपनी योग्यता की डींगे मारता रहता है लेकिन वो कितना योग्य है ये सब जानता है। तो उसके लिए यही कहावत उपयुक्त है कि अधजल गगरी छलकत जाए और भरी गगरिया चुप्पे जाए। दबा के लाइक एंड शेयर ठोको, अगर मजा आ रहा है दबा के लाइक एंड शेयर ठोको। अब याद रखना पांचवा, देखो मुहावरे किसी स्थिति या क्रिया की ओर संकेत करते हैं, जैसे हाथ मरना, मुंह फुलाना, किसी क्रिया को, जैसे हम कहते हैं ना कि वो गाना सुने, तुम तो धोखेबाज हो,
तुम जो रोज रोज तुम जो सनम ऐसा करोगे, हम जो रूठ जाएंगे तो हाथ मलोगे, है ना, वो सुना है ना, तुम जो रोज रोज सनम ऐसा करोगे, हम जो रूठ जाएंगे तो हाथ मलोगे, यानी एक क्रिया की तरफ इशारा करता है जब इन चीजों का प्रयोग होता है। लोकोक्तियां जीवन में भोगे हुए यथार्थ को व्यंजित करती है ना, जाके पैर न होए बेवाई, अरे उका जाने पीर पराई, यानी याद रखना यथार्थ में भोगे हुए। बेवाई का मतलब होता है पैर की एड़ियों का फटना, जो पैर की एड़ियां फटती हैं तो वो कहते हैं कि जाके पैर न होए बेवाई, अरे वूका जाने पीर पराई, यानी जिसकी कभी जिंदगी में एड़ियां फटी ही नहीं वो क्या जाने कि दर्द क्या होता है, जिसने जिंदगी में मेहनत की ही नहीं वो क्या जाने मेहनत क्या होता है। तो जाके पैर न होए बेवाई मतलब लोकोक्तियां जीवन में भोगे हुए यथार्थ को व्यंजित करती हैं, जैसे ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। याद रखे ये क्या, कैसी लोकोक्ति है, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। ओ, अब ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती, बड़ी सही बात कह रहा है। लोग कहें कि भैया तनी बहुत तेज भूख लगी है, कहें महाराज अभी थोड़ा सा भोजन में टाइम है, दो ठो चिप्स खा लो, तो कहें सुनो ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती, ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती, भूख लगी है चौड़े से रोटी लाओ चावल लाओ तब जाके प्यास बुझेगी, ओ भूख हमारी मिटेगी। तो लोग बोलते हैं कि ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती, लोग बोलते हैं ना, बोलो बात सही है। अब नाच ना जाना आंगन टेढ़ा, बोले महाराज अभी तो मैं ऐसा नाच देता ना कि दिल खुश हो जाता, लेकिन ये आंगन थोड़ा सा टेढ़ा है, कहें बताओ नाच ना जाना आंगन टेढ़ा। तो ये बात हमेशा याद रखना कि ये चीजें आपसे पूछी जाती हैं। तो आज के बाद पूरे मेरे जो भी विद्यार्थी मुझे सुन रहा है, अगर आज के बाद किसी ने पूछ लिया कि मुहावरे और लोकोक्तियों में क्या फर्क होता है, तो बेटा जी ये कभी जिंदगी में ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम इसे ना बता पाओ। बोलो समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो चलो अगर आप सभी तैयार हैं तो आज के अब आप आज की क्लास की शुरुआत करें। चले भैया आज अब इसके एमसीक्यू कराएं, एमसीक्यू कराएं, एक बार अंगूठे वाला बटन दबा दो कि सर आज देखते हैं 50 क्वेश्चन वो कराऊंगा जो लगभग एग्जाम में लगभग 3 बार पूछे गए हैं, यानी लगभग 3 बार तो आए ही आए हैं, यानी चलो आज देखते हैं हम कैसे कैसे क्वेश्चन कराते हैं। दबा के लाइक एंड शेयर ठोक दो, एक बार दबा के लाइक एंड शेयर, 450 लाइक होने चाहिए यार, जल्दी से दबा के लाइक एंड शेयर ठोको। अब जरा देखो तो तेली का बैल होना का क्या अर्थ है, तेली का बैल होने का क्या मतलब है। अब मैं आपको पूरा 21 सेकंड देता हूं ताकि आप हर तरीके से पढ़ ले। अब अगर उसने बोला तेली का बैल होना, पहला सवाल है, तो टोटल 50 प्रश्न कराऊंगा आज जब तक हो नहीं जाता। बुरी तरह काम में लगे रहना, काम करने का बहाना ढूंढना, मन लगाकर काम नहीं करना या निर्धन होना। एक बात याद रखना कि बहन की शादी थी उसमें मैंने एकदम तेली के बैल की तरह काम किया, कोल्हू का बैल जिसे कहते हैं ना, कोल्हू का बैल जिसे कहते हैं, कोल्हू का बैल बनाकर रख दिया। यानी देखो इस तरीके से होता है ना कि भाई दोस्त बहन की शादी थी और कोल्हू के बैल की तरह हमने काम किया, तो इसको हम क्या कहते हैं, बुरी तरह से काम में लगे रहना। अब देखो मैक्सिमम लोग जवाब दे पा रहे हैं, मैक्सिमम लोग जवाब दे पा रहे हैं बहुत ही शानदार तरीके से। द्रौपदी का चीर का अर्थ क्या होता है, 90% गलत करोगे और बताओ, 90% गलत करोगे और बताओ, 90% गलत करोगे, करके दिखा दो तो जाने, 90% गलत करोगे, ट्राई करके देख लो। नब्बे प्रतिशत गलत करोगे। जब कभी किसी के यहां अखंड रामायण में जाओ तो बहुत से लोग होते हैं जो प्रसाद के इंतजार में, जैसे सुंदरकांड में जाओगे ना किसी के, तो जैसे चला जला दिन मानत जड़ जल गए 3 दिन बीत, कह गए राम सकोप तब बिन भय होए न प्रीत, ये ऐसे चल रहा है चल रहा है। तो कुछ लोग क्या होते हैं ऐसे करके देखते रहते हैं, कुछ लोग ऐसे करके देखते रहते यार कब खत्म हुई, यार कब प्रसाद बटेगा, यार बहुत देर से चल रहा है। तो याद रखना अगर आपसे कोई कहे कि द्रौपदी का चीर कि मतलब वो खत्म ही नहीं हो रहा है, चलता चला जा रहा है, अरे सारी बिच नारी है, किनारी बिच सारी है, और सारी ही किनारी ही किनारी ही की सारी है, तो उसे कहते हैं कि कभी समाप्त ना होने वाला। यानी द्रौपदी का चीर हो गया भाई, बढ़ते जा रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, याद रखना द्रौपदी का चीर हो जाना, यानी वो बढ़ता ही जा रहा, जिसे इनफाइनाइट कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, इनफाइनाइट, की जिसका कभी अंत ही नहीं हो रहा है। एक तरफ से भगवान श्री कृष्ण
ताड़ी बढ़ा रहे थे, दुशासन दूसरी तरफ से खींच रहा था, लेकिन उसका छोर ही नहीं मिल रहा था। तो वो कहते हैं कि भैया द्रौपदी का चीर हो गया, एकदम से खत्म नहीं हो रहा, बढ़ता जा रहा है। और ये वो सवाल है जो 2 से 3 बार एसएससी, जीडी, यूपीएसआई, लेखपाल में मैक्सिमम पूछे गए हैं। जल्दी से सोचो इसका जवाब क्या होगा, जल्दी से बताओ। मालूम होता तो तुम्हारे यहां रहने का संयोग समाप्त हो गया है, मालूम होता है तुम्हारा यहां रहने का संयोग समाप्त हो गया है। एक बात बताओ जल्दी से क्या होगा। लोग बोलते हैं ना कि अब तो आजकल तुम्हारी रंगबाजी बहुत चल रही है, लग रहा बेटा तुम्हारा दिन पूरा हो गया है। अब इस चीज को देखो, बोलने का है, वो हंस के देख रही है या देख के हंस रही है, दो अलग अलग बातें हैं कि नहीं। लड़के इसीलिए तो बेचारे बर्बाद हो जाते हैं। मैं लड़कों का क्यों सपोर्ट करता हूं, लड़के कौन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लड़का तुम धनिया लाओ, पुदीना लाओ, मिर्चा लाओ, मैं लड़कों का सपोर्ट करता हूं। जैसे कोई लड़की मुस्कुरा दी, गजब हंस रही है, अब उसको ये नहीं पता ये हंस के देख रही है या देख के हंस रही है। तो याद रखना, अब इसको पढ़ने की टोन, अबे मालूम होता है तुम्हारे यहां रहने का संयोग खत्म हो गया है, अभी पहचान नहीं रहे हो तुम किससे बात कर रहे हो, तो इस तरीके से बोला जाता है। अभी तुम समझ नहीं पा रहे हो, लग रहा है तुम्हारे रहने का संयोग समाप्त हो गया है, इस तरीके की टोन में जब बोला जाता है तो मतलब कि हम तुमको इस हिसाब से बेघर कर देंगे, ना तुम घर के रहोगे ना घाट के। याद रखना, उसे क्या कहते हैं, अन्न जल उठ जाना, यानी तुम्हारे रहने का संयोग खत्म हो गया है, क्योंकि रहोगे तभी ना जब होगा भोजन और पानी, तभी तो है जिंदगानी। बोलो बात सही है। अब ये बताओ, बोलने की टोन से पता चलता है, बिल्कुल याद रखना, तुमको सब समझ में आएगा। जल्दी से लाइक एंड शेयर ठोको। शाबाश, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब कर रहे हो, बहुत ही लाजवाब कर रहे हो, बहुत ही लाजवाब। चौथा सवाल, अरुण ने परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बहुत परिश्रम किया। अच्छा, बहुत परिश्रम के लिए सही मुहावरा क्या है, जान पर खेलना, लोहे के चने चबाना, एड़ी चोटी का जोर लगाना, लुटिया डुबाना। पहली बात तो ऑप्शन हटाना अगर नहीं आता है तो तुम फिर से सीख लो कि अगर उसने बोला अरुण परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बहुत परिश्रम किया तो बहुत लुटिया डुबाना तो हो नहीं सकता। बोलो बात सही है। अब तुम कंफ्यूज हो कि महाराज हम जाएं किसके साथ साथ। कुछ लोग होते हैं डिप डिप डिप, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, 80-90 पूरे 100, 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा, ऐन बैन चैन गो। सर चौ दूसरा सही होगा, हम बता रहे ना एन बैन चैन गो वाले होते हैं, लेकिन याद रखना ये एन बैन चैन गो वाले जो लोग होते हैं ना, उनको इसीलिए दिक्कत होती है क्योंकि वो ढंग से समझने की कोशिश नहीं करते। जब हम बहुत परिश्रम करते हैं, मतलब कल एग्जाम है, आज एकदम अंत तक परिश्रम कर रहे हैं, तो एड़ी चोटी का जोर लगा दिए, मतलब पैर की तलवे से लेके सर तक का जोर लगा दिए क्योंकि अब कल एग्जाम है। और ये वाला लंबा होता है, लोहे के चने चबा रहे हैं, बिजनेस हो ही नहीं रहा है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, कोरोना में हर बिजनेसमैन लोहे के चने रहा है, जान पर खेलना, तो ये सारी चीजें इसलिए गलत हो जाती हैं। जब कल ही कुछ होना है और आज ही जब हम दम लगाते हैं तो उसे एड़ी चोटी का जोर लगाना कहते हैं। ये बताओ, रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा कौन सा है। बेटा जी याद रखना, आज का सेशन जिंदगी भर भूलने नहीं दूंगा। मैं बार बार कहता हूं कि मुहावरे, लोकोक्तियां, पर्यायवाची, विलोम शब्द रटवा के छोड़ूंगा, बस पूरी क्लास तुम सिर्फ सुनते रहो, आवाज मेरी अपने कान में जाने दो। अब भ्रष्ट नेताओं के कारण पार्टी चुनाव हार गई। अब क्या है, अंतरपट खुलना, लुटिया डूब जाना, अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना या भूत भागना। तो पहली बात तो भूत भागना और अंतरपट खुलना, ये दो चीजें तो नहीं हो सकती है ना। ये अंतरपट कब खुलता है, जब पिताजी कान के नीचे 2 कंटाप मारे तो फिर बोलते हैं यार जब से पिताजी हमको होंके हैं, मतलब सॉरी मारे हैं, तब से हमारा अंतरपट खुल गया है, तो ये तो नहीं हो सकता। लेकिन ये अगर उसने बोला कि भ्रष्ट नेताओं के पार्टी चुनाव हार गई, अब ये बिचारी परेशान है, तो कारण क्या है कि भैया हमारी तो लुटिया डूब गई। पांव पे कुल्हाड़ी मारना मतलब जानबूझकर ऐसा काम करना कि भैया आपकी लुटिया डूब जाए। बोलो बात सही। और नेतागिरी में ये बहुत बड़ा एग्जांपल है। इस समय मैं पार्टी का नाम लेके एक मुखी नहीं होना चाहता, क्योंकि अध्यापक की कोई पार्टी नहीं होती, अध्यापक का कोई धर्म नहीं होता, अध्यापक का सिर्फ एक धर्म होता है कि उसे अच्छा पढ़ाना है और उसके लिए हर विद्यार्थी एक समान है, ठीक है ना। तो ये बात याद रखना। अब बताओ, अब बेटा जी मैं बार बार कहता हूं प्रश्न वही है जो कम से कम 3 बार एग्जाम में आए हो, सारे मुहावरे वही हैं जो कम से कम 3 बार परीक्षा में पूछे गए हो। जल्दी से सोचो,
एक बार यार दबा के लाइक शेयर तो ठोक दो यार, कम से कम 600 लोग देख रहे हैं, अंगूठे का बटन जल्दी से दबा दो। आंख का नीर, आंख का पानी ढल जाना, याद रखना इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। आंख का पानी ढल जाना मतलब कि बेटा जी एकदम ये निरुत्साहित निष्प्रभ ये हो जाना, ये एक नॉर्मल सी बात है। आंख का पानी भर जाना मतलब इसको इस इमेज से समझने की कोशिश नहीं करना, ये मैं सिर्फ एक शर्माने के लिए इमेज, जैसे ये बिटिया बिचारी क्या हो गई, शर्मा गई, अरे है ना, ये बिचारी शर्मा गई, हम नहीं किए थे, अब ये शर्मा गई। लेकिन ये एक शर्माना क्या है, नेचुरल शर्माना है कि जैसे आई स्पाइस खेलते हैं या फिर किसी बिटिया, अरे हमारी बिटिया तो बहुत सुंदर लग रही है, तो ऐसे करके शर्मा गई, ठीक है। लेकिन ये जो आंख का नीर पानी ढल जाना, ये शर्माना नहीं है, ये निर्लज्ज होना वो केस है कि जहां तुमको बार बार बुताते हुए भी तुमको समझ में नहीं आ रहा और तुमने एक ऐसी गलती कर दी कि तुम एकदम निर्लज्ज हो गए हो। ये शर्माना जो है ये नेचुरल है, बच्चे जैसे माँ बाप से शर्माते हैं और छोटे बच्चे होते हैं, ये शर्माना नहीं। निर्लज्ज का मतलब होता है एक ऐसी नीच हरकत जिसका पश्चाताप करना भी मुश्किल हो जाए, यानी जिसका पश्चाताप करना भी मुश्किल हो जाए, उसे क्या कहते हैं, निर्लज्ज हो जाना, ठीक है। इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ यार। देखो जब तुम लोग ये राजनीतिक पार्टी का जो बयान सोचते हो ना बेटा, यहां पे सामान्य व्यक्ति इसी में मर जाता है कि मुझे इसको वोट करना है, वो मेरी जाति का है, वो मेरे संप्रदाय का है, और जिस नेता के लिए लड़ रहे होते हो ना, मुझे को एक बात बताओ कि जिस मुख्यमंत्री की सैलरी इतनी होती है या जिस सांसद की सैलरी इतनी होती है, उसके पास फॉर्च्यूनर गाड़ी कहां से आ जाती है, उसके पास इतने जो मॉल कहां से खुल जाते हैं, जमीन कहां, जब तुम लोगों की औकात नहीं होती किसी नेता से इतना सवाल पूछने की, तो तुम्हारी औकात कैसे होती है किसी नेता को, क्योंकि नेता को नेता तुम बनाते हो, हम नहीं बनाते। और नेता के पास अगर जितने भी लोग हैं जो हम हैं, वो नेता बनाते हैं, और ये कभी आज तक नहीं पूछे होगे कि सांसद जी आपके पास इतनी जमीन इतना बड़ा मकान बनाए कैसे। नेता सांसद की सैलरी से अगर सही पूछो तो इतना बड़ा मकान कभी जिंदगी में बन नहीं सकता, लेकिन तुम्हारी औकात नहीं है। तुम्हारी औकात क्या है, जिंदाबाद जिंदाबाद जब तक सूरत, यही करते करते जिंदगी में मर जाओगे। और याद रखना जब तक इस तरीके का यूथ है ना, ए छोटो चाय ले आओ, तो इस तरीके का जब तक यूथ है ना, तब तक इसी तरीके से समाज में होगा जिंदगी भर, इसका जिंदाबाद उसका जिंदाबाद, मर जाओगे यही करते करते, कुछ दिन बाद मर के चले जाओगे दुनिया से। जब तक जो करने आए हो, पढ़ो लिखो, जीवन में आगे बढ़ो, जिंदाबाद जिंदाबाद के चक्कर में नप जाओगे। कान फूंकना मतलब क्या होता है, कान फूंकना का मतलब क्या होता है, ये बात हमेशा याद रखना। चौकन्ना करना, चुगली करना, जादू टोना करना, दीक्षित करना, कान का मतलब होता है जब बिटिया ससुराल में नई नई शादी के बाद जब बिटिया अपनी मां को फोन करती है, याद रखना हर एक सास को दामाद जो चाहिए वो बिटिया को चाहने वाला चाहिए, लेकिन हर मां को लड़का चाहिए वो अपनी बिटिया अपनी पत्नी से ज्यादा अपने मां का बात सुनने वाला चाहिए। ये समाज की दुविधा है, तो और इसे हम क्या कहें। हर एक सास को याद रखना, हर एक सास को लड़का सास को प्यार करने वाला चाहिए, बहू को नहीं, लेकिन हर एक मां को बेटा किसको चाहिए। देखते हो ना कि अगर ये सबके साथ होता, अगर अपनी बिटिया को प्यार कर रहा है दामाद तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर एक लड़का अपनी बहू को प्यार कर रहा है तो जोरू का गुलाम कहते हैं। इस समाज के चक्कर में रहोगे तो मर जाओगे। इस दुनिया का सबसे बड़ा है रोग कि क्या कहेंगे लोग, और अंत में चार लोग बस एक ही बात कहते हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, याद रखना। तो इस दुनिया का सबसे बड़ा है रोग कि क्या कहेंगे लोग। हर एक लड़के को, हर एक मां को दामाद ऐसा चाहिए जो उसकी बिटिया को सरांखों पर रखे, खूब उसे खुश रखे, लेकिन जब यही एक बेटा अपनी बीवी का कहना मानता है या बीवी के कहने पे चलता है तो उसे जोरू का गुलाम कहते हैं। तो समाज के कोई परिभाषा नहीं होती है, अगर समाज के हिसाब से चलो तो ठीक है, तो ये समाज है बेटा। कच्चे घड़े में पानी भरना का क्या अर्थ है, जल्दी से बताओ। कच्चे घड़े में पानी भरना मतलब नई नई शादी हुई और तुम ज्यादा बकैती करो, तो फिर जब नप जाते हैं तो दुनिया कहती है अबे तो भाई तुम्हारा कच्चा घड़ा था, तुम अभी पानी भर दिए। अरे धीरे धीरे समझाओ, पत्नी है, तुम पत्नी को गुलाम समझोगे? अरे वो भी अपना घर परिवार छोड़कर आई है। अगर कल को तुम्हारी शादी होती है और पत्नी अभी तुम्हारे परिवार के लिए नई है, तुम सारे कानून, सारे नियम, सारी दुविधा सब कुछ इस पे लाद दो। मेरे पापा इस समय खाना खाते हैं, मेरे पापा ज्यादा नमक नहीं खाते हैं, और हाँ हम मसालेदार खाना कम खाते हैं, और सुनो सुबह हमें नाश्ता टाइम पे मिला। बिचारी अभी अपना घर छोड़कर आई,
गई है यार, अभी अभी अपना घर छोड़कर आई है और इस कच्चे घड़े में पानी भरोगे तो फूट जाएगा। इसलिए कहते हैं कि लोग कहते हैं यार कम से कम उसे पक तो जाने दो यार, तुम्हारे परिवार में घुल मिल तो जाने दो। तो लोग कहते हैं कच्चे घड़े में पानी भरने का मतलब होता है, देखो अभी देखो कोरोना में इतना लापरवाही कर रहे हैं, मतलब ये क्या है, अभी थोड़ा सा ढील मिली है कोरोना में तो अभी सब कच्चे घड़े में पानी भर रहे हैं, यानी ठीक ढंग से काम ना करना, ठीक है ना, ठीक ढंग से काम ना करना क्या होता है, कच्चे घड़े में पानी भरना। तो याद रखना, जैसे थोड़ी सी ढील मिली अब सोचना बे दौड़ो कौन करोना, जब डस लेता है हायर करोना, तो दो अलग अलग चीजें होती हैं, कौन करोना और जब डस लिया हायर करोना, तो दो अलग अलग चीजें होती हैं, दोनों को मिला के चलना। इसका आंसर बताओ, चांदी का ऐनक लगाने का अर्थ क्या है, चांदी का ऐनक। एक बेटा जी बहुत बेहतरीन चीज तुमको बता रहा हूं, एक इसे ट्रिक समझ लेना, एक चीज तुमको बताता हूं बहुत ध्यान से सुनना। जैसे तुमसे बोला चांदी का ऐनक लगाना, देखो सफलता पाना बड़ी बात नहीं होती, मम्मी पापा तुम्हारे समझाते होंगे ना कि सफलता पाना बड़ी बात नहीं होती, सफलता को बनाए रखना बड़ी बात होती है। अगर तुम सफलता पा गए ये अच्छी बात नहीं है। लोग कहते मेरे एक समय ठाट थे, एक समय था जब मैं 10 लाख रुपए महीना कमाता था, आज मेरे पास भूजी भांग नहीं है। तो लोग क्या बोलते हैं, आज मेरे पास भूजी भांग नहीं है तो अबे पहले 10 लाख कमाते थे। यानी चांदी का ऐनक लगाना मतलब क्या होता है कि भैया जैसे एपीजे अब्दुल कलाम साहब, भैया इनको तो मैं देवता मानता हूं, ये ऐसे पहले मुसलमान है जिनसे लोग हिंदू मुसलमान जैसी चीजें तो सोचते ही नहीं, और इन्हीं को देख के मुझे दो लाइन याद आ रही है, अब सुन ही लो यार, इन्हीं को देख के मुझे दो लाइन याद आ रही है। कहते हैं राम वालों को मुसलमान से बू आती है, राम वालों को मुसलमान से बू आती है, अहले इस्लाम को भगवान से बू आती है, और यहां किसे फुर्सत है कि करे खिदमतें इंसान की, यहां किसे फुर्सत है कि करे खिदमतें इंसान की। अरे यहां हर इंसान को इंसान से बू आती है, यहां हर इंसान को इंसान से बू आती है। चांदी का ऐनक लगाने का मतलब होता है मेरे भाई किसी ना किसी प्रकार से प्रतिष्ठा बनाए रखना। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम साहब अपने स्वभाव से प्रतिष्ठा बनाए रखते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम साहब अपने कार्यों से प्रतिष्ठा बनाए रखते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम साहब अपने व्यवहार से प्रतिष्ठा बनाए रखते हैं। तो यह बात याद रखना, चांदी का ऐनक लगाना मतलब किसी ना किसी प्रकार से प्रतिष्ठा बनाए रखना। अब बताओ कांटा बोना, बेटा जी मैं बार बार कह रहा हूं क्वेश्चन वही कराऊंगा जो अभी तक एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछे गए। अभी जल्दी से सोचो, अंकित भैया थैंक यू सो मच, एक बार दम लगा के लाइक एंड शेयर ठोको ना यार, एक बार अंगूठे वाला बटन दबा दो अगर मजा आ गई। बोलो एक बार भारत माता की जय, बोलो अपने अपने मां बाप की जय, वो है तो दुनिया है, ठीक है ना, बोलो एक बार जल्दी से अंगूठे वाला बटन दबाओ। अब क्या बोला है, कांटा बोना, कांटा बोना की मतलब क्या होता है, हानि पहुंचाना। कांटा बोना का मतलब क्या है, हानि पहुंचाना। जैसे एक दिन जेसीबी लगा के किसी का घर मकान टूट गया तो ये क्या होता है, हानि पहुंचाना। उसने मेरे लिए कांटा बो दिया जबकि मेरा मकान बिल्कुल सही था, लेकिन उसने कह दिया कि सरकारी मैप के हिसाब से ये सही नहीं है, उसने मेरी जिंदगी में कांटा बो के रख दिया। तो इसे हम कहते हैं कांटा बोना, यानी हानि पहुंचाना। बेटा जी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि वो प्रश्न जो लगभग 3 बार से ज्यादा परीक्षा में पूछे गए हैं वो सारे सवाल तुम्हारे यहां पे पूरे हो जाने चाहिए। तोते की तरह आंखें फेरने का अर्थ क्या होता है, जल्दी से सोचो। अगर तोते की तरह आंखें फेरने का अर्थ क्या होता है, अब इस लड़के को देखो, कहते हैं कभी कभी अकेले में रहना बेहतर होता है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि कभी कभी अकेले में रहना बेहतर होता है, अरे कोई भी आपको चोट नहीं पहुंचा सकता। मतलब कि अकेले, कभी कभी अकेले रहते हैं, तोते की तरह आंखें फेरना मतलब लोग तुमसे अलग होते जा रहे हैं, लोग तुमसे अलगाव पैदा कर रहे हैं, यानी पुराने संबंधों को एकदम भुला देना, पुराने शब्द। कहते हैं हो गए पैसे चार तो बन गए रिश्तेदार। बेटा जी आज तुमसे लोग व्यवहार नहीं रखना चाहते होंगे, तुमसे दूर जाना चाहते होंगे, लेकिन ईश्वर की दया से जिस दिन तुम्हारे पास शोहरत नाम दौलत पैसा आ जाएगा तो जिस दिन हो जाएंगे पैसे चार उस दिन बन जाएंगे रिश्तेदार। तो टेंशन नहीं लेना कि उसकी शादी में नहीं गए तो बुरा मान जाएगा, अगर तरक्की कर लिए तो दुनिया में बुरा मानने जैसा शब्द होता ही नहीं है, लोग ये बुरा मानने वाले जैसी चीजें होती ही नहीं। पौ 12 होना का मतलब क्या होता है, पौ 12 का होना मतलब क्या होता है, पौ 12 होना का मतलब क्या होता है। बेटा जी जब दुर्योधन ने शकुनी से कहा था मामा पौ 12, पौ 12 का मतलब ये तभी से चला आ रहा है जब दुर्योधन ने शकुनी से कहा था मामा पौ 12, मतलब
थोड़ा सा मेरे को लगा कि कौन, अरे लेकिन मजा आ गई भाई, आज तो लेक्चर में चार चांद लग गए। जब शकुनी से दुर्योधन ने कहा कि मामा पौ बारा, यानी कि लाभ ही लाभ मामा, लाभ ही लाभ, द्रौपदी मिल गई, राजपाठ मिल गया, दुनिया मिल गई, तो कहते हैं ना अब क्या चाहिए, कहते हैं यहां कब कौन क्या किसी को देता है, हम अब बहाना है वो खुदा देता है। पौ बारा का मतलब ये उसी दिन से प्रचलित है जब शकुनी से दुर्योधन ने कहा, दुर्योधन ने शकुनी से कहा था कि मामा पौ बारा यानी सिर्फ लाभ ही लाभ होगा मामा और कुछ नहीं होगा। तो याद रखना ये क्या हो गया, तो याद रखना जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सुख का विधान प्यारे हानि लाभ सहिए, सीताराम 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 कहिए। बहुत ही शानदार, इसी तरीके से लाइक शेयर ठोकते रहो, याद रखना हिंदी एकदम बेहतरीन तरीके से चलती रहेगी। इसका नाम बताओ मखमली जूते मारना, मखमली जूते मारना, मखमली जूते मारना, भिगो के मारना, मखमली जूते मारना, पता है क्या होता है, आज बहुत बेहतरीन तरीका बताऊंगा तुमको, मखमली जूते मारना याद रखना, ये पूछा जाता है। कहते हैं वो महफिल सजाकर कर रहे थे मेरे कत्ल की तैयारी, वो महफिल सजाकर कर रहे थे मेरे कत्ल की तैयारी, और मैं जैसे ही पहुंचा तो कहने लगे अरे बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। याद रखना ये समाज है, ये समाज तुमको कैसे देखता है। मखमली जूते मारना मतलब एक व्यंग मारना, जैसे ये देखो अगर करवा चौथ का दिन है तो क्या है, पति तुम हमारे परमेश्वर हो, हम तुम्हारी अर्धांगिनी है, तुम हमारे पति परमेश्वर हो, और बाकी दिन काहे पति बताओ कितना कमा के लाए हो, हिसाब दो, ये वाली साड़ी, ये नौलखा, ये वाला पैसा, तो याद रखना। तो ये क्या होता है, भिगो के जूता मारना, ठीक है ना, ये व्यंग्यात्मक चीजें होती है। कहते हैं वो महफिल सजा कर कर रहे थे मेरे कत्ल की तैयारी, और मैं जैसे ही पहुंचा तो कहने लगे अरे बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी, मतलब डसने के लिए तैयार थे, लेकिन जैसे ही हम पहुंच गए तो अपनी औकात पे आ गए। ये बात याद रखना, एग्जाम में पूछता है। मीठी बातों से लज्जित करना, लोग होते हैं मीठी बातों से भिगो के मारते हैं, ठीक है ना, तो ऐसे लोगों से सावधान रहना, ये जीवन में हमेशा तुम्हें परेशान करेंगे। इसका आंसर बताओ, वीरू और जय चोली दामन का साथ है, तो चोली दामन का साथ होने का मतलब क्या होता है, जिसे कहते हैं लंगोटिया यार। अब ये तो कर लोगे ना, जल्दी से बताओ चोली दामन का साथ है मतलब, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सुग्रीव, निशि, अंकिता, विपिन यादव, यार आज 1K प्लस ले जाना यार, 1000 प्लस ले जाना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। जल्दी से अंगूठे वाला बटन दबाओ, 1000 प्लस होना चाहिए। आलोक कुमार, बिकी, बहुत ही बढ़िया, निशि बहुत ही बढ़िया, राघवेंद्र यादव बहुत ही बढ़िया। रेखांकित मुहावरे का अर्थ बताना है, वीरू और जय में चोली दामन का साथ है। चोली दामन का साथ मतलब क्या होता है, देखो ये होता है चोली दामन का साथ, ये क्या होता है, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। अब जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा मतलब एक दूसरे पर निर्भरता, तुम हो, कहते हैं तुम शब्द तो मैं अर्थ और तुम बिन मैं व्यर्थ, बोलते हैं ना तुम शब्द हो तो मैं अर्थ हूं और तुम बिन मैं व्यर्थ हूं। तो याद रखना एक दूसरे की निर्भरता, ये मेरे विद्यार्थी और मेरे बीच जो आत्मनिर्भरता है वो ये है। बोलो बात सही है, बोलो बात सही है, ठीक है ना। अब ये बताओ चादर के बाहर पैर फैलाना, चादर, मैं थोड़ा इससे असहमत हूं, मैं इस तरीके के मुहावरों से थोड़ा सा असहमत हूं, और तुम लोग बताना कि मैं सही कह रहा हूं या नहीं, मैं इसको मानता नहीं हूं, इस वाले मुहावरे, भाई है मुहावरा चलता चला आ रहा है तो मुझे पढ़ाना पड़ रहा है, लेकिन मैं इस मुहावरे के सख्त विरोधी हूं। लोग बोलते हैं चादर के बाहर पैर पसारना, पसारो चादर के बाहर पैर नहीं पसारोगे तो नए चादर के बारे में कहां से सोचोगे। लोग बोलते हैं हे भगवान मेरी दाल रोटी चल जाए, तो भगवान कहता है ले थाम आज से तुम्हारी दाल रोटी चलेगी। अब भाई माँ बाप से मांगो मम्मी 5 रुपए, मम्मी 5 रुपए, तो मम्मी कहेगी ले 5 रुपया। अब तुम ईश्वर से कहते हो हे भगवान मेरी दाल रोटी चल जाए, प्रभु बस मेरी दाल रोटी चल जाए, भगवान कहते हैं ले थाम फिर आज से तोरी दाले रोटी चलेगी, और अगर आज के बाद BMW के बारे में सोचे तो जूता समारेंगे, भगवान भी ऐसा ही सोचता है। लेकिन ये याद रखना जब तक चादर, अगर लोग बोले जितनी बड़ी चादर हो उतनी बड़ी उतना पैर पसारना चाहिए, मैं कहता हूं कि जितना तुम्हारा पैर फैल सकता है तुम पैर फैलाओ और नई चादर की व्यवस्था करो, नया इवेंट सोचो, नया सक्सेस रेशियो सोचो, नया अपने जीवन में कुछ करने की सोचो। ये कभी मत सोचना कि जितनी बड़ी चादर सिर्फ उतना बड़ा पैर होगा, नहीं, तुम
नया नई चादर खरीदने की सोचो, तुम क्या ऐसा करोगे कि तुम नए चादर खरीदने के काबिल बनो। फैलाओ जितना पैर फैला सकते हो, फैलाओ जहां तक जा सकते हो, करो मेहनत जितनी कर सकते हो, और चादर तो मेरे भाई तुम्हारी मेहनत तुमको दिलवाएगी, और जितना पैर फैलाओगे उतनी बड़ी चादर पाओगे। तो चादर के बाहर पैर पसारना मतलब दुनिया जानती है कि तुम्हारी गाड़ी की जगह 8 लोगों की है और ये चादर में पैर पसारे हूं। बोलो बात सही है, क्षमता से अधिक करना, बोलो बात सही है कि नहीं, मेरी बात से सहमत हो कि नहीं। चौड़े से पैर पसारो कोई दिक्कत नहीं है, ये चादर में पैर पसारे मतलब 4 आदमी की जगह है, हौंक के बैठाए हैं, इसे कहते हैं चादर में पैर पसारना। आराम की नींद नहीं, याद रखना, क्षमता से अधिक व्यय करने को कहते हैं क्षमता, औकात से ज्यादा बकैती करने को कहते हैं चादर के बाहर पैर पसारना। डपोर संख, ये तो हमारे पिताजी हमको बचपन में बोलते थे, जब भी कोई क्वेश्चन हमको पापा समझाने बैठते थे, पापा मेरे डिफेंस में है, तो मेरे पिताजी डिफेंस में है, तो जब वो हमको पढ़ाने बैठते थे तो हम गलत कर देते थे, तो हमसे कहते थे अबे एकदम डपोर संख हो क्या, एक बार समझाए, समझ में नहीं आ रहा डपोर संख कहीं का। अब डपोर संख क्या होता है, डपोर संख क्या होता है, जिसको बर मरे चाहे कन्या दक्षिणा से मतलब, उसको कुछ भी करा उसको अपने से मतलब होता है। डपोर संख क्या होता है, डपोर संख ये होते हैं, मतलब जिस डाली में बैठे हैं उसी को काट रहे हैं, ये डपोर संख है। ये कौन है, डपोर संख है। डपोर संख को सीधा समझ लो बेवकूफ होता है, ये तो सीधे सीधे गलत होता है। डपोर संख का मतलब क्या होता है, बेवकूफ, देखो जहां बैठे हैं उसी को काट रहे हैं, ये क्या है, डपोर संख है। अगर बेटा हिंदी नहीं समझ में आएगी मारकर छोड़ दूंगा, मैं गारंटी कहता हूं कि मारकर नहीं पकड़ूंगा, क्योंकि मेरी मेहनत अगर बेकार हो गई तो मेरा पढ़ाना बेकार है। अरे मैं दिन रात मेहनत करता हूं कि नया नया आज मैं ऐसा क्या पढ़ा दूं कि तुम कभी इसे भूल ना पाओ। डपोर संघ मतलब बेवकूफ होता है, अब इनसे बड़ा बेवकूफ कौन होगा, गिरेंगे तो मुंह के बल मुंह चुकरा हो जाएगा। बोलो बात सही है, इसका बताओ, दिल पक जाना, दिल पक जाना, दिल पक जाना क्या होता है, एक बार दबा के लाइक एंड शेयर ठोको यार, दिल पक जाना का मतलब क्या होता है। अगर हम कहें दिल पक गया है, कभी कभी होता है एक सूरत देख देख के दिल पक जाता है, ये लड़के लड़की के लिए भी होता है, लड़की लड़के के लिए भी होता है। अब दिल पक गया है यार, तैयारी बहुत कर ली है, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो अब इस चेहरे को देख के दिल पक गया है, अब इसे बदल दिया जाना चाहिए, मतलब अत्यंत पीड़ित होना यार, दिल एकदम पक गया है। अब मतलब क्या हो गया कि मतलब किसी के साथ रहे रहे बहुत समझाया इसको कि भाई मान जाओ यार, भाई मान जाओ, मैं ऐसा नहीं हूं, तुम समझने की कोशिश करो, तो वो अत्यंत पीड़ित है, वो चाहे मानसिक रूप से हो चाहे शारीरिक रूप से हो, जब वो अत्यंत पीड़ित होता है तो कहते हैं उसका दिल पक गया है यार। मम्मी की याद आ रही है, बेचारा मम्मी के बिना, जब हम नानी के यहां जाते थे और मम्मी के बिना रहना पड़ता था, तो मामा लोग कहते थे कि देखो अभी तक अच्छे से रहा है, लेकिन अब उसका दिल पक गया है, अब उसको मम्मी की याद आ रही है, अब वो मम्मी के पास जाना चाहता है। कहते हैं ना, मां तेरे दूध का हक हमसे अदा क्या होगा, माँ तेरे दूध का हक हमसे अदा क्या होगा, तू जो हो नाराज तो खुश हमसे खुदा क्या होगा। तो याद रखना, दिल पक जाना का मतलब क्या होता है, जैसे ये देखो, अत्यंत दुखी हो जाना, कष्टकारी होना, कि जब किसी छोटा बच्चा भी पैदा हुआ है और उसको कोई तकलीफ होती है तो अंदर से अत्यंत पीड़ा होती है, दिल पक जाता है कि यार अभी इस बच्चे की क्या गलती है, उसने तो अभी सिर्फ धरती पे पैर रखा है, हे प्रभु आपने उसे इतना कष्ट क्यों दिया, तो इसे कहते हैं दिल पक जाना। नाक पर सुपारी तोड़ना, नाक पर सुपारी तोड़ना, ये ऐसी ही चीजें हैं जिसको कहते हैं अबे धान बो के रखा है, बे छाती में धान बोया है एकदम से, नाक पर सुपारी। अरे सभी बोलते हो यार, अगर कुछ ऐसा लगे कि मैं नया पढ़ा रहा हूं तो मुझे उसी जगह बता देना। थैंक यू सो मच निकिता रावत, थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू सो मच। और यहाँ पे आशीष, जरा सोचो तो, उसने बोला नाक पर सुपारी तोड़ने का अर्थ क्या होता है, बोलते हैं यार इसने धान बो दिया है। नाक पर सुपारी तोड़ना मतलब कि किसी को इतना परेशान कर दो कि अरे यार एकदम जिंदगी में छाती में धान बो दिया है। जैसे पत्नी के पास अगर तुम ज्यादा रहे, मतलब रहो तो भाई स्वाभाविक सी बात है, तुम्हारे जीवन का सौभाग्य, वरना दुनिया तुम्हें रहने ही नहीं देगी, इतना काम है तुम्हारे पास, तो वो क्या कहेगी, हमको हमारी बड़ी बहन के यहाँ शादी है, हमारे यहाँ इनके यहाँ शादी, वो इतना काम बता देगी तुमको, तुमको लगेगा कि यार ये हमारी बीवी हमारे नाक पे सुपारी तोड़ रही है, अब मतलब एकदम छाती में धान बोई। और ये धान बोना नहीं होता, ये परिवार का एक अंग होता है, और ये जो नहीं निभा पाता, जो इसको कष्ट समझता है, वो अभी जीवन में कहीं ना कहीं सांस्कारिक रूप से अभी तैयार नहीं है, ये उसका अधिकार है। लेकिन हम मजाक में कह देते हैं कि बीवी से परेशान है, जीवन में वही एक सहारा होती है, हारे का सहारा, और इसलिए उसकी रिस्पेक्ट किया करो, ठीक है ना।
लड़के की बेचारे की पूरी जिंदगी बीत जाती है माँ और बहू में सामंजस्य बैठाने में, पूरी जिंदगी बीत जाती है उसकी, लेकिन उन दोनों का मुंह किसी का इधर रहेगा किसी के इधर रहेगा। माँ को लगेगा बेटा बहू की सुन रहा है और बहू को लगेगा ये अपने माँ के ही पीछे रहते हैं। अब जरा सोचो तो कौड़ी ना कौड़ी कौड़ी को ना पूछना, बेटा जी जब होता है ना कि बेटा के लायक हो जाता है तो माँ बाप को कौड़ी कौड़ी को नहीं पूछता, निकम्मा समझना, वो समझता है कि मेरे माँ बाप निकम्मे हो गए हैं। याद रखना जो ये समझता है ना मेरे माँ बाप निकम्मे हो गए हैं तो ईश्वर फिर ऐसी लाठी मारता है कि उनको समझ में आ जाता है। कौड़ी कौड़ी को ना पूछना का अर्थ होता है निकम्मा समझना। बोलो बात सही है। जैसे ये देखो अब इनका मुंह देखो जरा समझो, कहते हैं फकत इश्क गुनाहगार नहीं गालिब तू देख ले, फकत इश्क गुनाहगार नहीं गालिब तू देख ले, हर शख्स निकम्मा बैठा है कोरोना के फेर में, हर शख्स निकम्मा बैठा है कोरोना के फेर में। बोलो बात सही है। बेटा जी आजकल एक नया शो आया है, अब जरा तुमको यहां पे सही मिलान करना है, ये चार मुहावरे दिए हैं, इस चार मुहावरों का सही मिलान कौन सा है ये तुम्हें बताना है। सिर फिर जाने का इन चारों में क्या मतलब होता है, सिर चढ़ना का इन चारों में, बेटा जी एकदम नया बहुत ही मैं बार रहा हूं सुपर सवाल है और आजकल ये पूछा जाता है, सुपर प्रश्न है और इस प्रश्न को करने का तरीका सीख लो, ये सारी चीजें तुमसे पूछी जाती है। एक बार दबा के लाइक एंड शेयर ठोको और मुझे बताओ कि सही मिलान क्या होगा। अब अगर मेरी बात सही लगे तो मुझे बताना जरा सही मिलान देखना क्या होगा। देखो अगर मैं तुमसे कहूं सिर फिर जाने का मतलब होता है पागल हो जाना, अगर मैं कहूं सिर चढ़ने का मतलब होता है हर बात मानना, क्या कहते हैं सिर चढ़ाना मतलब क्या होता है हर बात मनाना, बिटिया को हमेशा बाप सिर चढ़ा कर रखता है, कहते हैं मां बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, है ना, तो मां और बेटे के बीच में जो नाता होता है वो थोड़ा सिर चढ़ाने वाला होता है। सिर ऊंचा करना मतलब सम्मानजनक कार्य करना होता है, ओखली में सिर देना मतलब इच्छा पूर्वक किसी झंझट में पड़ जाना, ना चाहते हुए भी इच्छा पूर्वक किसी झंझट में पड़ जाना, यह क्या होता है याद रखना। पानी पीकर घर पूछने का अर्थ क्या होता है, चलो जल्दी जल्दी मैं आगे चलता हूं, अब थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं, अब बाकी के 25 सवाल मात्र 10 मिनट में कराऊंगा याद रखना, बाकी के 25 सवाल 10 मिनट, चलो अब स्पीड बढ़ाते हैं, अब हमारे पास इतना टाइम नहीं। पानी पीकर पूछने का क्या होता है, काम मिल निकलने के बाद सोचना, जब काम निकलने के बाद सोचना यह क्या होता है पानी पीकर पूछना। चलो भयभीत होने के लिए सही मुहावरा, चलो जल्दी जल्दी बताओ भयभीत होने के लिए सही मुहावरा कौन है, मात्र 10 सेकंड में टाइमर बंद हो जाएगा, 10 सेकंड में टाइमर बंद हो जाएगा, 15-14 याद रखना 10 सेकंड में टाइमर बंद हो जाएगा और ये हो गया टाइमर बंद। और भयभीत होने का मतलब होता है धक धक करने लगा, है ना, सुना तो है कलेजा धक धक करने लगा, ये क्या होता है तो ये होता है। जल्दी बताओ किसी वस्तु का आवश्यकता से कम होना का सही मुहावरा क्या है, जल्दी से बताओ जल्दी जल्दी जल्दी, किसी वस्तु का आवश्यकता से कम होने का सही मुहावरा क्या है। उंगली चाटना ऊंट के मुंह में जीरा, ओस के चाटे प्यास ना बुझना, एक अनार 100 बीमार, जल्दी से बताओ। किसी वस्तु का आवश्यकता से कम होना, जल्दी से बताओ जल्दी बताओ क्या होगा। एक बार दबा के लाइक एंड शेयर ठोको, एक बार दबा के लाइक एंड शेयर ठोको। दोस्तों एक बात याद रखना, ऊंट के मुंह में जीरा होता है, ऊंट के मुंह में जो जीरा होता है वो क्या होता है, किसी आवश्यकता से कम होने का जो सही मुहावरा होता है ऊंट के मुंह में जीरा होता है। चलो ये बताओ, यार एक बार लाइक एंड शेयर ठोको यार, दबा के पहले एक बार लाइक एंड शेयर ठोको यार। तुम लोग देखो इतनी मेहनत से तुम लोगों को मुहावरे करा रहा हूं और ये हर एक मुहावरा ऐसा है जो हर परीक्षा में कम से कम 3 बार पूछा गया। जरा सोचो, पुलिस के द्वारा की गई नाकेबंदी की वजह से डाकुओं की नानी मर गई नहीं, ऐसी तैसी हो गई जान के लाले पड़ गए, तरकीब काम नहीं कर रही। अब मेरी बात समझना कि जब भी बोला पुलिस के द्वारा नाकेबंदी में जान के लाले पड़ना, ठीक है, ये तब होता है जब पुलिस के हत्थे चढ़ जाते हैं और तब पुलिस बीच रास्ते में इनकाउंटर कर देती है। बोलो बात सही है। तो अगर पुलिस के हत्थे चढ़ गए तो जान के लाले पड़ जाएंगे, तरकीब काम नहीं कर रही है, ये याद रखना। उसने बोला कि पुलिस की नाकेबंदी, उसने अपने आंखों से देख ली है कि पुलिस नाकेबंदी की है, यानी अब उसकी ऐसी तैसी निश्चित है क्योंकि वन वे रास्ता है। बोलो बात सही है। ये बताओ, पेट में दाढ़ी होना, पेट में दाढ़ी होना, पूत के पांव पालने में दिखना लगभग समान है, पूत के पांव पालने में दिखना, पेड़ में दाढ़ी होना, अब जरा देखो, पेट में दाढ़ी होने का मतलब पूत के पांव पालने में दिखना, भेद न लगने देना, वस्तु का सही स्थान पर इस्तेमाल न करना, अप्रकृतिक व्यवहार होना, छोटी से उम्र में ही बुद्धिमान होना। तो ये बात याद रखना, पेट में दाढ़ी होने का मतलब, देखो
इंसान के दाढ़ी कब आती है, जो थोड़ा सा मैच्योर हो जाता है। जब मैं सिक्स में था तो मेरी दाढ़ी नहीं थी, सेवन्थ में मेरी दाढ़ी नहीं थी। दाढ़ी होने का मतलब थोड़ा सा मैच्योर हो जाना, पेट में दाढ़ी होने का मतलब कि गर्भावस्था से छोटी सी उम्र है, लेकिन भैया ऐसी बातें करते हैं जैसे इसके पेट में दाढ़ी निकल आई हो। तो याद रखना, पेट में दाढ़ी होने का मतलब क्या होता है, छोटी उम्र में बुद्धिमान होना, क्योंकि दाढ़ी निकलने के बाद ही मर्द की एक जो पहचान है और जो उसकी सोच समझ के बारे में बोलते हैं। बेटा जी, गुलर का फूल नहीं होता, इसको बोलते हैं जनरल भाषा में गुलरी फूल होना। गुलर का फूल नहीं होता, वो बोलते ना अबे बहुत दिन से गुलरी फूल हो गया यार एकदम, है ना। देखो, गुलरी का फूल होना का मतलब समझते हो, गुलरी का फूल होना, अबे बहुत दिन बाद दिखाई दिए यार, कई दिन बाद पता चला आलिया भट्ट की पिक्चर आई, अबे यार आलिया भट्ट कई दिन से गुलरी फूल हो गई थी। गुलरी का फूल हमेशा नहीं निकलता, वो कभी कभी, उसका कोई सीजन के हिसाब से गुलरी का फूल नहीं निकलता, वो मौसम के हिसाब से निकलता है, किसी दिन सुहावना मौसम। तो इस तरीके गुलरी का फूल होना मतलब कभी कभी, और गुलर का फूल जल्दी दिखाई नहीं देता। ईद का चांद होना, इसी को हम कहते हैं ईद का चांद होना, जैसे बोलते ना गुलरी का फूल होना। चलो, इसका क्या होता है, घाट घाट का पानी पीना, घाट घाट का पानी पीना, इसका बताओ क्या होता है, घाट घाट का पानी पीना। लोग बोलते हैं यार उसकी बात मत करो, घाट घाट का पानी पिया है। लोग बोलते हैं ना, अबे तुम जिसके बारे में चर्चा कर रहे हो वो घाट घाट का पानी पिया है। जल्दी सोचो, घाट घाट का पानी पीने का मतलब क्या होता है। घाट घाट का पानी पीने का मतलब होता है कि वह बहुत ही अनुभवी है, उसने घाट घाट का पानी पी रखा है। अब कोई नया टीचर पढ़ाने आए और हमसे बोले तो हम तो यही कहेंगे ना, बेटा हम घाट घाट का पानी पिए हैं, हिंदुस्तान के मैप में कहीं भी हाथ रखो अतुल अवस्थी पढ़ाए हैं। और मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि प्रश्न मैं वही कराता हूं जितने आज तक कम से कम ये सवाल कम से कम 3 बार जरूर पूछे गए होंगे। चलो ये बताओ, याद रखना आज 50 क्वेश्चन का टारगेट है, 50 करवाऊंगा, लेकिन आप 1000 आपको होना है, 100 बच्चे आपको जोड़ने हैं, कैसे भी जोड़े ये आपकी जिम्मेदारी। लाइक शेयर ठोको, मैक्सिमम ठोको, जल्दी से 1000 लाइक मेरे को चाहिए, 1K लाइक मेरे को चाहिए, 1K लाइक होना चाहिए, याद रखना 1K लाइक होना चाहिए, तुम्हारी जिम्मेदारी है। जो भी आए ये तुम्हारी जिम्मेदारी है लाइक कराना यार, तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूं तो तुम मेरे लिए इतना कर सकते हो। मधु का अगर मैं बोलूं, बेटवा एक बात हमेशा याद रखना, मुहावरे लोकोक्तियों को केवल पढ़ के नहीं सीखा जाता कि अतुल सर इतना बता दे, इसको हम सामान्य जीवन में ऐसे इस्तेमाल करते हैं तो जीवन में कभी भी सामने पड़ेगा तो गलत नहीं होगा। उसने बोला मधु जहर का घूंट पीकर रह गई, जहर का घूंट, अरे यार जिस हिसाब से बोले ना कि पूरे भरे पूरी बारात में हम दोस्त के गए शादी में, वहां उसके मौसा हमसे पूछ लिए कि बताओ गति का दूसरा नियम क्या होता है, उस समय तो जहर का घूंट पी के रह गए कि यहां सब शादी ब्याह में आए हैं, आप हमारा नॉलेज टेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर दोस्त के फूफा ना होते ना तो वही बवाल मचा देता, लेकिन उस समय में जहर का घूंट पी के रह गया। तो जहर का घूंट पीना का मतलब होता है अपने क्रोध को नियंत्रित करना, है ना। जैसे जीजा को साले की शादी में कई जगह ऐसा होता है जहां क्रोध का घूंट पीना होता है। जीजा मतलब जानते हो कि नहीं, जीजा का मतलब होता है जो जी में आएगा वो करूंगा, जा जो करना है कर ले। ये बात याद रखना, जीजा सबसे खतरनाक जाति होती है रिश्तेदारों में। जीजा का मतलब होता है जो जी में आएगा वो करूंगा, जा जो करना है कर ले, याद रखना। वो कई बार क्रोध का घूंट पीते हैं क्योंकि सम्मानित व्यवस्था है। इसका आंसर बताओ, राहुल ने तो आग में घी डालने का निश्चय किया। ये आज हमारे मित्र पवन सर, वो भी हिंदी पढ़ाते हैं, आज बड़ा अच्छा एग्जाम्पल बता रहे थे कि एक लड़के को उसके पापा गिराह के लात कचर रहे थे। अब पता चला मम्मी बाहर से आई और पता चला कि राहुल आज लात खा रहे हैं, तो उसमें से घी डाल दी कि आज ये सुबह अपनी बहन से भी झगड़ा किया था। मतलब देखो, घर में विपक्ष, घर में ही पूरी की पूरी राजनीति होती है, घर में विपक्ष तुम्हारी बहन होती है। जब भी तुम्हारे हाथ से कोई कप टूट जाएगा तो पहले तो अब तुम असांस्कृतिक शब्दों से नवाजे जाओगे और तुम्हारी क्रियाकलाप मतलब बलभर थुरे जाओगे, लेकिन उसी में बहन क्या करेगी, ए मम्मी वो देखो वो वाला कप तोड़ दिया, वो जो मेला में लाइन में लग के खरीदी थी, कितनी मेहनत से खरीदी थी। याद रखना कि बहन क्या करेगी, आग में घी डाल देगी, और जहां बात आराम से निपट सकती थी वहां पर तुम्हारी व्यवस्था टाइट हो जाएगी। तो ये बात याद रखना। ये बताओ, इस वर्ष मेरा बैल भी मर गया और चोरी भी हो गई, इसको क्या कहते हैं। इस वर्ष मेरा बैल भी मर गया और चोरी भी हो गई, यानी जब दो दो नुकसान एक साथ हो जाएं तो उसको क्या कहते हैं, जब दो नुकसान एक साथ हो जाएं। 1000 लाइक चाहिए, 1000 लाइक, जल्दी से अंगूठे वाला बटन दबाओ और बताओ, इस वर्ष मेरा बैल मर गया और मेरे घर भी चोरी हो गई, इसे क्या कहते हैं, ये उपयुक्त मुहावरा क्या है। अगर जानते हो तो ठीक है, तो नहीं देखो, कंगाली में आटा गीला, यादी क्या कहते हैं,
गरीबी में आटा गीला, तो ये कहीं कंगाली कहीं गरीबी इस तरीके का शब्द इस्तेमाल होता रहता है। बोलो बात सही है, एक तो पैसा नहीं, ऊपर से टायर पंचर हो जाए, और टायर पंचर हुआ ट्यूब खुली तो पता चला कि ट्यूब बदलनी पड़ेगी, तो गरीबी में आटा गीला, एक तो पैसा नहीं है ऊपर से पंचर बनवाओ, पंचर बनवाने के छोड़ो ट्यूब बदलवाओ, तो भैया यहां पे अभी सैलरी नहीं आई, दैट्स मीन गरीबी में एक तो सैलरी नहीं आई पहला नुकसान, और टायर फट गया दूसरा नुकसान, ट्यूब फट गई, जब ढेर सारे नुकसान एक साथ हो जाए तो उसे कहते हैं गरीबी में आटा गीला हो गया। अब बड़ा भूल जाओ तो हम जाने दाल में कुछ काला है, बताओ इसका वाक्य प्रयोग, दाल में कुछ काला है। एक बार एक देवर अपनी भाभी से कहता है, अरे भाभी कुछ खिलाओ, तो अब भाभी कहे यार क्या कुछ खिलाएं, भाई भैया पेड़ा खा लो बर्फी खा लो, अरे कहें नहीं भाभी कुछ खिलाओ, तो अब कहें कि क्या खिलाएं, बोले नहीं भाभी कुछ खिलाओ, तो कहें अच्छा एक काम शरबत बना दें, कुछ पेड़ा बर्फी मिठाई खा लीजिए, अरे कहें नहीं भाभी कुछ खिलाओ, तो भाभी भी बड़ी होशियार थी, भाभी एक गिलास दूध ले आई और दूध में थोड़ी सी राख डाल दी, और जैसे ही देवर को दी तो देवर ने उसे देखा कहीं भाभी इसमें कुछ पड़ा है, तो बोले बस देवर जी पी जाइए, आप ही बोल रहे थे ना कुछ खिलाओ, तो इसमें कुछ पड़ा है बस आप पी जाइए। तो याद रखना दाल में कुछ काला है जब ये बोलते हैं तो जरूर इसमें कुछ गड़बड़ है। तो भाभी समझ गई कि देवर हमसे मजा ले रहा है कि भाभी कुछ खिलाओ, तो वो क्या करता है कि दाल में कुछ काला है तो वही उसी तरीके से काला अक्षर भैंस बराबर, ये तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। इसका बताओ, पिता ने पुत्र की हरकतों से तंग आकर उसे, जरा सा बताओ, पिता की हरकत पुत्र की हरकतों से तंग आकर पिता ने उसे कहीं का ना रखा, ये कभी पिता के लिए नहीं हो सकता, ये बात याद रखना, इस तरीके की चीजें पिता के लिए नहीं हो सकता, ये हमेशा दोस्त दोस्त कहता है तुमको तो मैं वो हल करूंगा ना, तुमको कहीं का नहीं रखूंगा, तो ये इसे कहते हैं, ये पिता कभी पुत्र के साथ नहीं कर सकता ठिकाने। अब देखो, तिलांजलि दे दी ये कभी नहीं हो सकता, ये बात याद रखना, ये कभी नहीं हो सकता, इसको समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये कभी जिंदगी में नहीं हो सकता। लड़के को ठिकाने लगा दिया ये कभी नहीं हो सकता, वो घर से निकाल देगा। तिलांजलि दे देना मतलब कि उसको हमेशा के लिए त्याग देना होता है, ठीक है, तिलांजलि गलत होगा, यहां पे तिलांजलि नहीं होगा, इसका इस्तेमाल कई बार गलत होता है, घर से निकाल दिया यहां तक तो ठीक है, लेकिन तिलांजलि दे देना उचित उपयोग नहीं होगा। देखो, बाप बेटा, मां बेटा, भाई बहन, जो ऐसे रिश्ते होते हैं जिनका कभी अंत होना निश्चित नहीं हो पाता कि जीवन में, अगर वो दोनों अलग भी कर दे तो बेटा अपने बाप का ही कहलाएगा, बाप उसी का बाप कहलाएगा, क्योंकि उसको बाप, जैसे मां ने सिग्नेचर किया अपना पुत्र के नाम पर, धरती पे मां का हस्ताक्षर कौन है, हम लोग हैं, मां का हस्ताक्षर है ना, तो अब हम कितना भी हो जाए मां हमें तिलांजलि जीते जी नहीं दे सकती है। तो इन चीजों को इस तरीके के इस्तेमाल में नहीं रखा जाता, कई किताबों में इसका खंडन किया गया है। तो तिलांजलि शब्द बहुत ही गहन, बहुत ही गंभीर शब्द होता है, इसको ऐसे प्रयोग नहीं किया जाता कि मां ने बेटे की तिलांजलि दे दी, बाप ने बेटे की तिलांजलि दे दी, बहन ने भाई की तिलांजलि दे दी, ये शब्द उचित प्रयोग नहीं है। भार झोंकना, भार नहीं होता बेटा जी, ये लोग कहते हैं जिनकी हिंदी में थोड़ी सी समस्या होती है, ये सब यूपी के मुहावरे ज्यादा हैं। भार मतलब होता है कि जब कोई लाई भूंजने वाला भूंजा नहीं होता, जो लाई भूंजना होता है तो जो वो आग जलाता है ना उसे भार कहते हैं, भार नहीं होता है, ये भार होता है। लेकिन अब लोग देखो कहते हैं ना कि जिसने भी इसे पहली बार भार लिखा होगा वो भी तो इंसान ही होगा, लेकिन उसने जहां तक इसे समझा होगा ये भार होता है। भार झोंकना मतलब कि वहां पे जब लाई भूंजने के लिए झोंका जाता है उसमें जो घास डाली जाती है उसे भार झोंकना कहते हैं। क्या कहते हैं? उसमें भार, जो लकड़ी डालते हैं उसे भार झोंकना कहते हैं। तो भार झोंकना का मतलब होता है कि व्यर्थ में समय नष्ट करना, मैंने तुम्हारे पीछे अपना पूरा समय भार झोंक दिया, पूरा समय एकदम पैसा एकदम, मतलब भार झोंकना मतलब व्यर्थ में सब कुछ तुम्हारे लिए कर दिया, उसे कहते हैं भार झोंकना। बोलो बात सही है। ये बताओ, दुखी सुदामा को द्वारका में आया, दुखी सुदामा को द्वारका में आया देख श्री कृष्ण ने उन्हें ईद का चांद बनाया, तारे तोड़ कर ला दिए, छाती से लगाकर रखा, सिर आंखों पर बिठाया। याद रखना ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखना। जल्दी से बताओ, देख सुदामा की दीन दखा, दो सुने ना, देख सुदामा की दीन दशा, ये अभी मैंने पढ़ाऊंगा कि सुखी दुखी सुदामा को द्वारका में आया देख श्री कृष्ण ने उन्हें क्या किया, सिराखों पर बैठाया। लोग बोलते ना सिराखों पर बैठा के रखा, सिराखों का मतलब होता है कलेजे से लगाना उसकी बहुत, अच्छा बताओ मैं बहुत तेज तेज बता रहा हूँ, नुपुर माधुरी अंकिता राखी पटेल नेहा उर्मिला, भैया समझ में आ रहा है कि नहीं, थोड़ा सा
सांस ले लूं, सुबह से 9 घंटे पढ़ा चुका हूं और ये लगभग 9वां लेक्चर है मेरा, लेकिन एनर्जी में कमी नहीं होनी चाहिए। अंधे की लकड़ी का अर्थ क्या होता है, लेकिन तुम लोगों का यार इतना प्यार मोहब्बत होती है ना, तो लगता है कि यार साला पूरी रात पढ़ाना पड़े ना तो तुम्हारे लिए पढ़ा सकता हूं। हिंदी को उस लेवल पे ले जाके छोड़ूंगा ना कि जहां तुमको भी मोहब्बत हो जाएगी कि अतुल सर से कि सर आपने जितना पढ़ाया सब रट गया। अंधे की लकड़ी का अर्थ क्या होता है, अंधे की लकड़ी का अर्थ क्या होता है जरा समझना। अंधे की लकड़ी का होता है मतलब कि किसी का, जैसे गंवार व्यक्ति नहीं, अनपढ़ नहीं, एकमात्र सहारा। अब अंधा का एक बात चलने के लिए उसका, अंधे के लिए उसका एकमात्र सहारा क्या है, तो जरा समझ लेना। अंधे का अगर एकमात्र सहारे की अगर हम बात करें तो अंधे की लकड़ी होना के मतलब कि उस अब हारे का सहारा, लोग बोलते हैं ना हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, जब हम हार जाते हैं तो हमारा एकमात्र सहारा होता है, तो अंधे की लकड़ी वो ईश्वर है, अंधे की लकड़ी वो परमात्मा है, वो खुदा है, वो परवरदिगार है, तो उसे कहते हैं अंधे की लकड़ी होना कि उसके सिवा कुछ नहीं है ना। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गुरुदेव समरिया मेरे, यानी वो क्या है अंधे। अंडे का सहजादा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा जी, लगभग 5 से 6 बार आया है, 5 से 6 बार पूछा गया सवाल है, याद रखना। अब देखो 5 से 6 बार पूछा गया है, यह बात याद रखना। उसने क्या बोला, अंडे का सहजादा का अर्थ क्या होता है, जो अंडे का सहजादा होता है, जल्दी से सोचो, अंडे का सहजादा वेरी मोस्ट 5 से 6 बार एग्जाम में दिखाई दिया ये अंडे का सहजादा, जल्दी से सोचो क्या होगा। अंडे का सहजादा मतलब क्या होता है कि अब जरा तुम सोच के देखो कि इसका प्रयोग कैसे हो सकता है, अब मेरी बात समझना। अंडे का सहजादा मतलब कि यार ये अक्सर एक जो वो होता है ना हुनरमंद, जो काफी दिन से गाड़ी बना रहा, एक नया चेला सीखने आया, अगर उसने गलत नट कहीं फिट कर दिया तो पीछे से एक वो मारता है, कहता है अंडे का सहजाता है क्या। तो ये जो हड़क के बोलते ना अंडे का सहजाता, हमेशा व्यंग्यात्मक बयान है, ये कोई मुहावरे से ज्यादा व्यंग है। अबे अंडे का सहजाता, याद रखना, इस तरीके का व्यंग्यात्मक बयान बोला जाता है। जब भी कोई नया आदमी किसी पुराने काम को करता है तो उसमें जो अनुभव वाला व्यक्ति होता है वो कहता है अबे अंडे के सहजादे, इसको ऐसे किया जाता। अंडे के सहजादा मतलब होता है अनुभवहीन होना, क्या होता है अनुभवहीन होना, इसका बताओ। बात तो मेरी तय थी भैया, लेकिन उसने ऐन मौके पर इंकार कर दिया और मेरा काम रुक गया, जल्दी से सोचो इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या है। अब जल्दी से सोचो, अक्ल पर पत्थर पड़ना, गुड़ गोबर करना, खटाई पड़ना या कल पड़ना, याद रखना। उसने क्या बोला जरा एक बार जल्दी से अंगूठे वाला बटन दबा के लाइक एंड शेयर ठोको यार। बात तय थी, उसने क्या बोला, बात तय थी और फिर बोला लेकिन ऐन मौके पर उसने इंकार करने का, सारा काम रुक गया, सारा काम रुक गया मतलब सब गुड़ गोबर हो गया, गुड़ गोबर हो गया, यानी गुड़ और गोबर, अगर गुड़ जो है उसको रख दो कहीं पे, मतलब खुले में रख दो तो ऐसे फैल जाता है, जैसे गाय ने एकदम गीला गीला गोबर किया हो या भैंस ने गीला गीला गोबर किया हो, ये गुड़ गोबर तभी से कहानी चली आई। जैसे गुड़ को तुम, जैसे मान लो ये गुड़ की ऐसे भेली है ना, इसको तुम ऐसे रख दो तो ये ऐसे ऐसे फैल जाएगी, ऐसे फैल जाएगी, और जब गाय गोबर करती है तो भी ऐसे ऐसे फैल जाता है, तो कहते हैं गुड़ गोबर कर दिया उसने, इसी को कहते हैं गुड़ गोबर करना। ठीक है, आंखें बिछाना का क्या अर्थ होता है, आंखें बिछाना का क्या अर्थ होता है, आंखें बिछाना, आंखें बिछाना का क्या अर्थ होता है, जल्दी से बताओ यार। देखो तुम लोग जल्दी से पहले अंगूठे वाला बटन दबाओ, लाइक शेयर ठोको और फिर मुझे बताओ आंखें बिछाना का क्या अर्थ होता है। आंखें बिछाना मतलब, आंखें बिछाने का मतलब क्या होता है जरा समझना। आंखें बिछाना मतलब हम प्रतीक्षा, देखो आंखें बिछाना ये सामान्य प्रतीक्षा करना नहीं होता, मैं बार बार बोल रहा हूं याद रखना, अध्यापक कभी विद्यार्थियों का आंखें नहीं बिछा के प्रतीक्षा करता। एक पति के लिए एक पत्नी आंखें बिछा के प्रतीक्षा करती है, एक माँ अपने बेटे के लिए आंखें बिछा के प्रतीक्षा करती है, यानी वो इसमें वात्सल्य होता है, इस प्रतीक्षा में वात्सल्य होता है, इस प्रतीक्षा में वात्सल्य प्रेम और भक्ति का समन्वय होता है, यानी वात्सल्य प्रेम और भक्ति का समन्वय होता है इस प्रतीक्षा में, ये सामान्य प्रतीक्षा नहीं है, ये बात याद रखना। कलम तोड़ना, कलम तोड़ना, जल्दी से बताओ, कलम तोड़ना, जल्दी से बताओ, एक बार दबा के लाइक एंड शेयर ठोको यार, जल्दी से दबा के लाइक एंड शेयर ठोको। कलम तोड़ना का मतलब क्या होता है, अगर हम बोले कलम तोड़ना का मतलब क्या होता है कि बहुत सुंदर लिखना या बहुत मेहनत करना, भद्दी चीजें लिखना नहीं, कलम तोड़ना का मतलब होता है कि भाई कलम तोड़। बोलते हैं ना कि जैसे बोले हाथ टूटने तक तालियां, तो हाथ तोड़ने की बात थोड़ी ना कर रहा है कि उसने इतना अच्छा काम कर दिया कि एक बार अतुल अवस्थी सर के लिए हाथ टूटने तक तालियां हो जाए, तो
बोलो बात सही है। एक अपने माँ के प्यार के लिए, अपनी माँ की मोहब्बत के लिए जिन्होंने तुम्हें पैदा किया उनके लिए हाथ तोड़ने तक तालियां हो जाएं। तो भैया ये होता है कि जब कलम तोड़ना, मतलब कि इतना बेहतरीन लिख देना, उसे क्या बोलते हैं, कलम तोड़ना। तो एक बार दबा के लाइक एंड शेयर ठोक दो इसी बात पे, इसी बात पे एक बार लगा के लाइक एंड शेयर ठोक दो। बोलो बात सही है, जल्दी से इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ। मैं याद रखना बार बार 21 सेकंड सिर्फ इसीलिए देता हूं, सिर्फ 10 सवाल बचे हैं और मैं आपसे बार बार कहता हूं कि ये जितने क्वेश्चन मैं यहां पे करा रहा हूं, जितने प्रश्न करा रहा हूं, कोई भी एसएससी जीडी एसएससी जीडी एसआई लेखपाल चकबंदी राजस्व या कोई भी पेपर देखना, सिर्फ इस मुहावरे में ही फंसेगा, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम रिपीटेड मुहावरा यहां पे मैंने दिखाया है। मुंशी प्रेमचंद उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं, कथा क्षेत्र में उनका लेखन अति उत्तम है, इस वाक्यांश के लिए उचित मुहावरा क्या है? अब जरा देखो, पहली बात तो मुंशी प्रेमचंद सम्मानित व्यक्ति हैं और लेखन भी उत्तम है। टोपी उछालना, कलम तोड़ना, कान काटना, तूती बोलना, अब देखो सब नियरेस्ट है ना, झूठ मत बोलना। कंफ्यूज हो गए कि नहीं हो गए? एक बार दिल पे हाथ रख के बोलो, कंफ्यूज हो गए कि नहीं हो गए? दुविधा हुई कि नहीं हुई? अच्छा देख लो, अगर सभी को दुविधा नहीं हो तो क्यों ए बी सी डी लगा के रखे हो बताओ? अगर तुमको इतना आसान लगता है तो क्यों ए बी सी डी लगा के रखे हो, मेरे को इतना बताओ। तूती बोलना मतलब होता है लेखन इतना उत्तम है, उपन्यास के सम्राट कहे जाते हैं और क्षेत्र में तूती बोलती है, मतलब याद रखना तूती किसी के घर में नहीं बोलती है, तूती हमेशा एक बड़े से क्षेत्र, राज्य, समूह, वर्ग, विश्व साम्राज्य में बोलती है और तूती हमेशा ऐसी जगह बोलती है। बोलो बात सही है। गाल बजाना का मतलब क्या होता है, ये तो सभी जानते हैं, दो महिलाएं मिल जाएं इतना गाल बजाएंगी कि तुमको परेशान हो जाओगे। इस ब्रह्मांड में महिलाओं को श्राप है कि दो महिलाएं कभी शांत बैठी ही नहीं सकती हैं, कि नहीं भी दो महिलाओं को ऐसे बैठा दो, एक का मुंह उत्तर कर दो, एक का मुंह दक्षिण कर दो, ये मत बताना कि शर्त लगी है, ये थोड़ी देर बाद पूछ लेगी, बहन तुम कहां रहती हो, बहन तो वहां पे जहां तुम रहती हो वहां हमारी मौसी भी आती जाती हैं, हमारी मतलब लड़कों को कभी देखना, अगर दो लड़के बैठे हैं तो उनके रोए में असर नहीं पड़ेगा, अबे बैठा होगा हमसे का लेना देना, लेकिन औरतें या लड़कियां, बहन और बताओ, बहन और उधर चलो, बहन हम भी बैठ जाएं बहन, तो ये उनके साथ ज्यादा होता है लड़कियों के साथ। और गाल बजाना मतलब खूब डींग हाँकती है, ये जो हम सलवार खरीदे थे, ये हम कुर्ता खरीदे थे, ये हम दुपट्टा खरीदे थे, ये लड़कियों में ज्यादा होता है, लड़के बेचारे एक टी शर्ट पैंट पहन के पूरा जीवन बिता सकते हैं ना, इसीलिए का मैं थोड़ा समर्थन करता हूं, क्योंकि घर पे भी देखो ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लड़का बेचारा धनिया लाओ पुदीना लाओ मिर्चा लाओ, होता है कि नहीं, लड़कों का कहीं ना कहीं शोषण, घर में भाई बहन से झगड़ा कर लो लात भाई खाएगा, गारंटी है, तुम पहले से देख लो। मूछ मुड़ाना मतलब, मूछ मुड़ाना का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताओ, बोल दे आज ऐसा नहीं हुआ ना तो मूछ मुड़ा के घूमेंगे, अगर किसी झगड़ा हो गया कहीं आओ सट लो, अगर बाहर तुमको इतना ना मारा, नहीं मार पाया ना, तो मूछ मुड़ा के घूमेंगे। और लोग बोलते हैं अगर इस बार एग्जाम देने जा रहा हूं एसएससी जीडी का, नहीं निकला ना तो मूछ मुड़ा के घूमूंगा। तो मूछ मुड़ाना का मतलब होता है, याद रखना, कि जब हम मूछ मुड़ाने की बात करते हैं कि हार मानना, अगर हम मूछ मुड़ा लिए तो हम हार मान गए, अगर मूछ नहीं मुड़ाए तो मतलब किसी की औकात नहीं जो हमसे सट ले, लोग बोलते हैं ना तुम्हारी औकात नहीं जो हमसे सट लो, तो मूछ मुड़ाना मतलब होता है हार मानना। बोलो बात सही है। तालू में जीभ ना लगना, तालू में जीभ ना लगना, जल्दी से बताओ, तालू में जीभ ना लगना इसका मतलब क्या होता है? रोहित, राहुल, सुजाता, अंजलि, पूनम, भारती, अंकिता, राजकुमार, योगेश, विभा, प्रवीण, नवल, बहुत ही शानदार। अगर हम बोले कि तालू में जीभ, अबे चुप हो जाओ बे, तुम तो तालू में जीभ है नहीं लगाते हो, मतलब इतना तुम बोलते हो, इतना बोलते हो यार, तालू में तो जीभ लगा लो, जिसे हम हिंदी में कहते हैं लपर 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 बोलते हैं ना, अबे तुम कब से लपर लपर बोल रहे हो, तुम तालू में जीभ तो लगा लो थोड़ी देर, तालू में जीभ लगाओ बोल ही नहीं पाओगे, बोल के देखो, तालू में जीभ लगाओ, एक एक अक्षर नहीं बोल पाओगे, ट्राई करके देखो, एक बार ट्राई करो, एक बार मेरे लिए, एक बार ऐसे वो एक एक अक्षर बोल के दिखा दो, 500,000 नगद इनाम दूंगा, 500,000 नगद इनाम दूंगा, तुम बोल के दिखा दो, ताल एक बार लगाओ इसे और फिर बोल के देखो। तालू में जीभ लगना मतलब कि तुम चुप ना रहना, मतलब कि तुम तालू में जीभ लगाओ तो चुप रहोगे और तालू में जीभ लग जाएगी तो बोल ही नहीं पाओगे, ट्राई करो, वो एक 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 अक्षर बोल के दिखा दो, जो कह दोगे सर थार जाऊंगा। बोलो बात सही है। लपर लपर होना, बांसों को उछालना, जल्दी से सोचो बांसों को उछालना,
नहीं बोल पाए बहुत मारेंगे झूठो, अभी हमारे पास होते तो हम पूछते। खैरी हम बोल लिए, ऐसे बोलो जीव तालू में लगाओ, ऐसे वैक्यूम की तरह चिपक जाएगा, वैक्यूम जैसे नहीं चिपकता, निकलेगा ही नहीं मुंह से, बोल के देखो बोल ही नहीं पाओगे। बांसों उछलना, बांसों मतलब उतना हो जाए बाप रे बाप, खुशी खुशी मजा आ गया। बांसों उछलना मतलब भैया बहुत प्रसन्न होना कि भाई बांसों उछल गया, जैसे उसको पता चला कि उसने जीवन में एक बहुत अच्छी सफलता प्राप्त की तो वो बांसों उछल गया। भैया बांसों, बांस का पेड़ सबसे लंबा होता है, बांस का पेड़ सबसे लंबा होता है, बोले भैया वो इतना सफल हुआ कि बांसों उछल गया, इसे कहते हैं बांसों उछलना। बोलो बात सही है इसका, बताओ। लंगोटी में फाग खेलना, लंगोटी में फाग खेलना, फाग मतलब होता है होली, होली लंगोटी में होली खेलना। वो सुना ना, लाल लंगोटा हाथ में सोटा, पहले एक गाना हुआ करता था। तो याद रखना लंगोटी में फाग खेलने का मतलब क्या होता है, दरिद्रता में भी आनंद का भाव रखना, दरिद्रता में भी आनंद का भाव रखना, जिसे हम अभी कह नहीं रहे थे, सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, सुख का विधान प्यारे हानि लाभ सहिए, और जब भी मौका मिले तो सीताराम 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 कहिए। तो याद रखना जो दरिद्रता में भी आनंद का भाव रखता है उसे हम लंगोटी में होली खेलना कहते हैं। भाई एक पास पैसा नहीं फिर भी लंगोटी में होली खेल ले, होली भाई त्यौहार मनाने के लिए पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? अब त्यौहार ऐसे थोड़ी ना मना लिया जाता है, कपड़े लत्ता मिठाई रंग अबीर गुलाल खाने पीने के सामान, तो भाई अब पैसा नहीं है तो क्या लंगोटी में होली खेलेंगे हम? तो लोग बोलते हैं ना कि हमारे पास इतना पैसा ना रुपया, अब लंगोटी में होली खेल लें क्या? तो याद रखना इसे कहते हैं लंगोटी में होली खेलना। ये बताओ अब सुनीता के हाथ पीले करने का समय आ गया है, अब लड़का पढ़ने लगा है, अब लड़के का SSC GD निकल गया है, अब इसका हाथ पीला कर दो। शादी के उल्टा देखो क्या होता है, शादी को जब आईने में देखोगे, ये शादी है ना, इसको उल्टा देखोगे दिशा, जब तुम्हारे जीवन की दिशा पलट जाए तो उसको कहते हैं शादी करना, है ना। शादी को जब मिरर इमेज में देखोगे तो ये होता है दिशा, जब तुम्हारे जीवन की दिशा पलट जाए तो ये समझ लो तुम विवाह के लायक हो गए हो। तो याद रखना शादी जब बोलते हैं ना, अरे इसके हाथ पीले कर दो, यानी विवाह करने का समय आ गया है, लड़का जवान हो गया है, तो लड़के तो बेचारे नालायक होते हैं, लेकिन बिटिया बिचारी जब जरूरत होती है, जब उनकी बिटिया लोगों की उम्र हो जाती है, अब पढ़ लिख ली बढ़िया नौकरी चाकरी करने लगे, तो अब बिटिया इनकी शादी कर दी जाए, भैया अच्छे घर जाए, खेले कमा खाए कमाए खूब उन्नति करें, है ना। गांव घर में कहा नहीं जाता इस, हमारा बिटिया भैया खूब आगे बढ़े, लड़का हमारा तो हमेशा भाई सब लड़का बच्चा हो तो हंसी खेल में लोग लड़के लड़कियों में फर्क करने लगते हैं कि भाई लड़का ऐसा है लड़का नालायक है दुष्ट है, हमारा बिटिया बहुरानी है, हमारा बिटिया बहु हीरा है। तो जब ये बिटिया और इस तरीके से बोलते हैं बिटिया माँ पुत्री बिटिया जब बोलते हैं तो इसमें एक दुलार झलकता है, और लड़कों को हमेशा जब भी लात खाना होगा लड़का आगे है ना, मतलब लड़के को तो ऐसे समझते हैं कि मार कुटाई के लिए पैदा किया ये लड़का, काहे लिए इसको मारने के लिए पैदा किए हैं, जैसे हम लोग नहीं रोबोट का है चाय लाता है, ये लड़का काहे लात खाता है, मतलब जैसे घर वाले हम लोगों को लात खाने खिलाने के लिए रखे ही रहते हैं। पिताजी का जब मूड खराब होगा, मान लो ऑफिस से मूड खराब है, मोहल्ले में झगड़ा हो गया है, अब गुस्सा खाने के लिए इधर आओ लौंडे को मारना शुरू, उनमें पिताजी से एक सख्त बात मेरा विरोध है, पिता हमेशा वर्तमान की बात पे मारते मारते भूत क्यों जोड़ते हैं, ये मेरा आज एक पहल है, इस पे तुम हैशटैग चलाओ कि पिताजी हमेशा वर्तमान की बात, अगर जो मैंने अभी गलती की तो मुझे इसके लिए मारो, लेकिन मारते मारते ये क्यों कहते हो कि उस दिन भी ये इसने यही किया था, फिर मारना शुरू कर देते, क्रोध का लेवल कम होने ही नहीं देते, जैसे ही मार रहे हैं फिर बोलते हैं भाई उस दिन के लिए तो मार चुके हो ना। तो हर पिता मारते मारते हमेशा याद रखना कि वो भूत जोड़ के मारते हैं, इस बात का मैं सख्त विरोधी हूं, मारो तो वर्तमान में मार रहे हो, मार लो भी गलती किया मारो, लेकिन भूत जोड़ के क्यों मारते हो? ये मेरे साथ भी भाई हर पिता के साथ समस्या होती है, जब भी कुछ होगा पुराना जोड़ लेंगे, जब भी कुछ होगा पुराना, लड़का बेचारा मुंह दबा लेता है, क्या बोले वो, है ना। तो आंखों का तारा पता है बहुत प्यारा, अब बताओ अपना उल्लू सीधा करना, अपना उल्लू सीधा करना, सुर नर मुनि सब ही की रीति, स्वार्थ पाए करें सब प्रीति, तो चाहे देवता हो नर हो मनुष्य हो मानव हो कोई भी हो,
भाई यहाँ पे दीपक सिंह ढिल्लो साहब, मैं आपका कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूँ, बहुत तेज ऊपर जा रहा है, मुझे उसके लिए क्षमा करिएगा, मैं माफी मांगता हूँ। लेकिन याद रखिएगा, जैसे उसने बोला कि अपना उल्लू सीधा करना, मतलब क्या होता है कि अपना काम निकालना, अपना उल्लू सीधा हो गया तो निकल लियो। आमी यार किसका काम बना बंदा खिसका, आमी यार किसका काम बना और बंदा खिसका, इसको कहते हैं अपना उल्लू सीधा करना। गलत होने का कोई चांस ही नहीं होता। आज वो 50 मुहावरे कराऊंगा ना कि तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा क्या होता है, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा क्या होता है, जल्दी से बताओ। कपटी मित्र का सही मुहावरा क्या होता है, जल्दी से बताओ। छल कपट, है ना। अब जरा सोचो तो, अब जैसे वो एक रामायण की चौपाई है, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, है ना। अब छल कपट जो होता है, कपट मित्र के लिए सही होता है ना कि आस्तीन का सांप होना। आस्तीन के ही सांप को कहते हैं कि वो महफिल सजाकर कर रहे थे मेरे कत्ल की तैयारी, और मैं जैसे ही पहुंचा तो कहने लगे बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। ये आस्तीन का सांप होता है, ये क्या होता है, आस्तीन का सांप होता है। आज का अंतिम सवाल, बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब, आज का अंतिम सवाल जल्दी से बताओ। बच्चों की जरा सी शरारत पर विवेक ने, जहां अंधेरा हो राज्य विहीन जगह, अन्याय की जगह जहां छोटे बड़े बड़े का ख्याल ना रखा जाता हो। याद रखना, यहां पे थोड़ा सा शायद मेरे को ऑप्शन अलग लग रहा है, ठीक है ना। जब बच्चों की जरा सी शरारत पर विवेक ने, यहां पे ये होता ना सर, ऐसे कैसे चलेगा सर। हाँ हाँ बताइए बताइए सर, जहां पे देखो एक बार बस आइए आइए सर आइए, यहाँ पे ये मैं देखो भाई सर इतना लीन हो गए हैं भाई, ये क्लास छोड़नी थी 10 बजे, ना तुम छोड़ रहे हो सर के और ना सर तुमको छोड़ रहे हैं भाई, तो ऐसे कैसे चलेगा। हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि ये निकले हम लोग जाएं, अब ये लगातार चलाए जा रहे हैं मेरे भाई, ऐसे कब तक चलेगा। तो बस सर बस बस 50 सवाल हो गए, मैंने 50 सवाल का वादा किया था और आज सच में मैं बहुत जल्दी से कंप्लीट करिए बच्चों, एकदम हैट्स ऑफ टू यू भाई आप सभी लोग। और हमारे एक सर और जुड़े हैं, आइए सर। तो यानी जितने भी लोग हो भैया, आप जल्दी से एक बार जाते जाते लाइक करके भैया उसे कम से कम 1100 लाइक तो कर ही दो, एक बार 1100 लाइक, बस 5 लोग कम है, 1100 लाइक कर दो और आपका ये 50 सवाल हो गया। और ये थोड़ा सा ऑप्शन, ये ऑप्शन गलत है बेटा जी, यहाँ पे होगा कि बच्चों की जरा सी शरारत पर विवेक ने पूरा घर सर पर उठा लिया। घर सर पर उठाने का मतलब नहीं कि नीचे से वो जैक लगा के उठा के वो हनुमान जी बन गया, थल्ला मार देना। हाँ थल्ला मार देना। और एक कहावत सर आप क्या कहते थे कि बहुत कुछ कहते हैं। हाँ एक कहावत सुनाइए कोई, आप बेहतरीन मुहावरा जो आपको याद हो, कोई एक मुहावरा बताइए जीवन में। नाच ना आवे अंगना टेढ़ा, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। अंगना की बजाय समय ये सर बिहारी वाला पार्ट हो गया। हाँ बिहारी पार्ट हो गया, अंगना को आंगन बोल दीजिए ना एक बार। आंगन ही है ठीक है, आंगन अब तो क्या है, क्या आप अपने घर में भैया भैया बोलते हैं सबको, हम लोग वहाँ पे अपना टोन है यार, सब चलता है, वी ऑल आर इंडियन। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए कोस कोस में बदले पानी, 3 कोस में बांधे, 1000 करवा ही दीजिए सर, जब 3 लोग आ गए तो 1000 पार कर दो। 1000 सर ये लोग नहीं करेंगे, ये पिछले आधे घंटे चल रहा है, कदम खाए हैं, पिछले कदम खाए हैं। तो चलिए फिर कल फिर एक बार इसी तरह क्लास में मिलेंगे। आज के लिए थैंक यू सो मच फॉर, मस्त रहें, खुश रहें, सलामत रहें। और दोस्तों आशा करता हूं कि आज की क्लास आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। और दोस्तों जितने भी लोग यहां पे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आप लोगों को एक बार नहीं बार बार कहता हूं कि आपकी हिंदी को मैं उस लेवल पे ले जाऊंगा। मैंने आज आपसे वादा किया था ना कि आज आपको सबसे बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा, और आज ये वादा मैंने आपका पूरा किया जो मैंने आपको आज क्लास के शुरू में कराया था। ये मेरा वादा आज पूरा हुआ जो आज क्लास के शुरू में आपको मैं कराया था, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने पूरा सहयोग दिया, और इस प्यार मोहब्बत का मैं सदैव आभारी रहूंगा। और शाम को अगर 9 बजे आप इसी तरीके से मिलते रहेंगे, हिंदी की शुरुआत की है मैंने इस इंडस्ट्री में, हिंदी का सिर्फ एक ही नाम होगा तुम्हारे भाई का, और इसके लिए मुझे दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी ना, तो दिन रात मेहनत करूंगा, लेकिन हिंदी में सिर्फ पूरा एक सितारा चमकेगा, अड्डा 247 में सिर्फ एक फैकल्टी होगा, अतुल अवस्थी, और बेहतरीन तरीके से लेके चलूंगा। और रीजनिंग तो पता है, रीजनिंग में तो जो कहर हम लोग मचाते वो दुनिया देखती है। रीजनिंग का जो कहर हम शाम को 6 बजे मचाते हैं, याद रखना शाम को 6 बजे जो मेरी रीजनिंग का कहर चलता है, वो सारे लोग जिस हिसाब से देखते हैं कि सर उसका आनंद ही कुछ और होता है। तो याद रखना शाम को 6 बजे जब मेरी रीजनिंग होती है, तो उसमें आप सभी सादर आमंत्रित, तुम्हारे भाई का न्योता है तुम्हारे लिए, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। और जो भी लोग अभी सुन रहे हैं मुझे, मैं आपको बता दूं कि एसएससी महापैक, यानी एसएससी जीडी महापैक, जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको
परचेज जरूर कर लीजिएगा, बस आपको कूपन कोड लगाना है Y272। ये कूपन कोड आपको इस्तेमाल करना है और इस कूपन कोड के बाद Y272 ये आपका कूपन कोड है और इसमें आपको इस समय 12 नहीं, ये 12+12 है, याद रखना इस समय डबल वैलिडिटी चल रही है। पैसा तुमको 919 ही देना है लेकिन अब 12 महीने नहीं, ये 12+12 महीने के लिए तुमको मिलेगा, ये बात याद रखना। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि दोस्तों कल जो है यानी 31 तारीख को, अभी नहीं कल नहीं शायद 31 तारीख को, आज कितनी तारीख है, आज 30, हाँ कल ही की तो बात है, हाँ कल ही, मुझे लगा 29 तारीख है, ये भैया 30 तारीख को ये बात याद रखना, कल 31 तारीख को शनिवार को शाम 5 बजे से, यानी कल जो 31 तारीख को शाम 6 बजे मेरा लेक्चर होगा वो कुछ ऐसा होगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा। तो एक बार 1500 लाइक कर दोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। आज के लिए बस इतना ही, सहृदय धन्यवाद, खुश रहिए, मस्त रहिए, सलामत रहिए, ठंडे पानी से हाथ मुंह धो के अपने मां बाप का सम्मान करते हुए और ईश्वर जिंदगी भर आप हमेशा सफलता का परचम लहराते रहे, ये तुम्हारे भाई की दुआ आशीर्वाद है तुम्हारे लिए और इसी तरीके से आगे बढ़ते रहे। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। फिर कल नई क्लास होगी और कल प्रीवियस ईयर पेपर कराऊंगा और फिर देखना कौन कितना नंबर पाता है। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच।